साधना का 10वां दिन पूरा हुआ, 10वां दिन पूरा हुआ। कल सुबह शिविर समापन होगा। नौ दिनों तक धर्म के बारे में प्रवचन सुने, 10 दिनों तक अभ्यास किया, 10 दिनों के बाद गहराइयां हैं। अब तो जैसे बहुत धूमिल सी रूपरेखा प्राप्त हुई, एक नन्ना सा कदम उठाया, बहुत गहराइयों तक की सच्चाइयों का अनुभव करना है, लेकिन आज उनके चर्चा नहीं करेंगे। थ्योरी और प्रैक्टिस, सिद्धांत और अभ्यास दोनों साथ साथ चलने चाहिए। जितना जितना अभ्यास कर लें उतनी उतनी बात सिद्धांतिक स्तर पर भी समझ लें, अन्यथा बुद्धि विलास का विषय हो जाएगा, वाणी विलास का विषय हो जाएगा, काम की बात नहीं होगी। तो आज शाम की धर्म चर्चा इस काम में लगाएं, इसका उपयोग इस काम के लिए करें कि इन 10 दिनों में यहां आकर क्या सीखा उसका पुनरावलोकन कर लें, एक बार फिर समझ लें, कहीं किसी बात को लेकर मन में कोई शंका तो नहीं रह गई, कोई संदेह तो नहीं रह गया, कोई बात गलत तरीके से तो नहीं समझ ली गई। ठीक से समझ ही नहीं पाएंगे धर्म को तो आगे जाकर उसका धारण कैसे करेंगे, उसका पालन कैसे करेंगे। तो आज की शाम यही करेंगे कि इन 10 दिनों में क्या सीखा, क्या सीखा। काम शुरू करते ही 3 रत्नों की शरण ली, बुद्ध की शरण, धर्म की शरण, संघ की शरण। किसी किसी को इसी बात को लेकर कठिनाई खड़ी हो जाती है। हम खूब समझ सकते हैं कठिनाई क्यों खड़ी होती है, घबराहट होती है। धर्म की गंगा है, सबकी है, सबको इससे लाभ मिलता है, इसलिए सब तरह के लोग आते हैं, सब संप्रदायों के, सब मान्यताओं के, सब परंपराओं के लोग आते हैं, आने ही चाहिए। तो भिन्न भिन्न संप्रदायों से भिन्न भिन्न मत मतांतरों के लोग जब आते हैं और आते ही उनसे कहा जाता है कि 3 रत्नों की शरण लेनी होगी, बुद्ध की, धर्म की, संघ की, तो कोई कोई घबरा उठता है, कहीं मुझे अपने संप्रदाय में दीक्षित तो नहीं कर रहे। तो उस वक्त भी समझाते हैं, लेकिन उस वक्त बात पूरी समझ में आई नहीं आई। अब कहा गया कि इस तरह से हमारे पीछे पीछे बोलो तो बोल लिया, नहीं तो ये सिखाएंगे नहीं। कोई नहीं भी बोला क्या पता लग गया, इतने लोग बोल रहे हैं मैं नहीं बोलता, इनको क्या पता लगता है, ऐसा भी कोई होगा। तो बात नहीं समझे तब इस तरह की बातें होती हैं। तो एक बार फिर समझ लें कि ये क्या 3 शरण होती है। जब बुद्धं शरणं गच्छामि कहते हैं तो गौतम शरणं गच्छामि नहीं कहा, गौतम बुद्ध शरणं गच्छामि भी नहीं कहा, बुद्धं शरण। तो बुद्ध तो गुणवाचक बात हुई, बोधि की शरण। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरी शरण आ जाओ
और मैं तुम्हें तार दूंगा। इस भाव से कोई व्यक्ति बुद्ध की शरण लेता हूं, यूं बुद्धं शरणं गच्छामि कहे, तो उस व्यक्ति ने धर्म समझा नहीं। कोई हमें तारने वाला है ही नहीं, इस भ्रम के बाहर निकलना ही धर्म है। जो व्यक्ति सचमुच तर गया, जो नहीं तरा वो तो ऐसी भ्रांति में पड़ा रह सकता है, जो तर गया तो जान गया कि किसी अन्य ने नहीं तारा मुझे, अपने परिश्रम से पुरुषार्थ से मुझे तरना पड़ा, अपने ही परिश्रम पुरुषार्थ से मुझे अपने विकार निकालने पड़े। तो ऐसा व्यक्ति जब धर्म सिखाएगा तो कहेगा, तुम्हें ही किच्चं आतपं अखा तारो तथागत। कोई तथागत हो जाए वो केवल मार्ग का आख्यात करेगा, दिखाएगा ऐसा मार्ग है, ये मार्ग है, क्योंकि चला है उस पर, चला है, इसीलिए तथागत नाम पड़ा। तथता के सहारे सहारे, माने सच्चाई के सहारे सहारे, सच्चाई वो जो अपने अनुभव पर उतर रही है, ऐसी सच्चाई के सहारे चलते 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 मुक्त अवस्था पर आ गया तो तथागत कहलाया। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सच्चाई के सहारे चलते चलते मुक्त अवस्था तक पहुंचा है, वो यही बताएगा, कदम कदम सच्चाई के साथ साथ चलते चलो मुक्त अवस्था पर पहुंच जाओगे, रास्ता बताएगा, चलना तो हर एक को पड़ेगा। तो जो बुद्ध इतने गंभीर शब्दों के साथ कहता है, तुम्हें ही के चंगा तपं, काम तुम्हें करना पड़ेगा, तपना तुम्हें पड़ेगा, कोई तथागत होगा तो केवल रास्ता बताएगा, उसके बारे में ऐसा भाव बना लें कि मैं बुद्ध की शरण जा रहा हूं क्योंकि बुद्ध मुझे तार देगा, तो बात नहीं समझ में आई ना। बोधि की शरण जा रहा हूं, एक से अधिक बार उस व्यक्ति ने कहा, समझाया, अत्तदीपा बिहरथ अत्त शरण नान्य शरणं धम्म शरणं नान्य शरणं। कितने स्पष्ट शब्दों में कहता है, अत्तदीपा बिहरत, अपने आप को द्वीप बना करके रहो, अपनी शरण, नान्य शरणं, किसी अन्य की शरण नहीं, अपनी शरण। अपनी शरण माने अपने भीतर जो धर्म जगाओ उसकी शरण। धम्म दीप, धम्म का द्वीप बनाओ, अपने भीतर धर्म का द्वीप बनाओ, उसकी शरण ग्रहण करो। न अन्य शरण, किसी अन्य की शरण नहीं, माने किसी व्यक्ति की शरण नहीं। इतने स्पष्ट शब्दों में जो व्यक्ति कहता है, अपना द्वीप बनाओ, अपने भीतर धर्म का द्वीप बनाओ। क्या द्वीप होता है? किसी महासागर में कोई यात्रा कर रहा है और बड़ा तूफान आ गया, बड़ी बड़ी लहरें, बहुत बड़ा तूफान, अब ये जहाज न जाने कब डूब जाएगा, ये नौका न जाने कब डूब जाएगी। तो उस समय लोग देखते हैं कहीं कोई आसपास द्वीप दिख जाए, कोई आइलैंड दिख जाए, तो वहां पहुंच जाए तो कितना ही तूफान हो हमको शरण मिल गई। ऐसे ही धर्म हमारे लिए द्वीप है, और वो द्वीप हमारे भीतर, हम धर्म धारण करने लगे तो हमारे लिए द्वीप बन गया। अब चाहे जैसे तूफान जीवन में आते रहें, चाहे जैसे संकट जीवन में आते रहें, हमको शरण मिल गई। अपने भीतर धर्म का द्वीप बनाया तो बन गए, मिल गई। स्वयं तो धर्म धारण नहीं करें और ये आशा करें कि अमुक व्यक्ति के शरण चले गए, अमुक व्यक्ति के शरण चले गए, इस देवी के, इस देवता के, इस ईश्वर के, इस ब्रह्म के, इस महापुरुष के, इस संत के, इस बुद्ध के, इस अनंत के, इसके शरण चले गए, बस वो आप ही तार देगा, वो आप ही रक्षा करेगा। तो भाई धर्म समझ में नहीं आया, बिल्कुल नहीं समझ में आया। बुद्ध में जो रतन है, शरण तीन रत्नों की है,
बुद्ध में जो रतन है, धर्म में जो रतन है, संघ में जो रतन है, और कितने स्पष्ट शब्दों में समझाया, बार बार समझाया, इदं पि बुद्धे रतनं प्रणीतं, इदं पि धम्मे रतनं प्रणीतं, इदं पि संघे रतनं प्रणीतं। बुद्ध में ये रतन है, धर्म में ये रतन है, संघ में ये रतन है, गुण ही गुण बताए। ये गुण है तो बुद्ध है, ये गुण नहीं है तो ये व्यक्ति बुद्ध नहीं है, ये गुण है तो धर्म है, ये गुण नहीं है तो धर्म नहीं है, ये गुण है तो संघ है, ये गुण नहीं है तो संघ नहीं है। तो उनमें जो रतन है, शरण रतन के लिए रहे हैं ना, गुणों के लिए रहे हैं। और गुण कोई व्यक्ति तो होता नहीं कि हम कहें हे गुण हम तुम्हारी शरण आ गए तुम तार देना, क्या तारेगा। वो गुण धारण करें अपने आप तर गए, वो गुण हमारे भीतर आए, चित्त में निर्मलता आए, सद्गुण से भर जाए, अपने आप तर गए। तो धर्म धारण करना ही शरण ग्रहण करना है। और ये जो शब्द इस्तेमाल किया, गच्छामि बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संगम शरणं, गच्छामि गच्छामि चलता हूं, प्रतिपादन करता हूं, कदम कदम चलता हूं, बुद्ध के गुणों की ओर, धर्म के गुणों की ओर, संघ के गुणों की ओर कदम कदम चलता हूं, माने धर्म धारण करने के मार्ग पर कदम कदम चलता हूं, इस माने में तीन रत्नों की शरण है। एक संप्रदाय से किसी दूसरे संप्रदाय में दीक्षित होकर क्या मिल जाएगा, ये तो भारत का ही नहीं सारे विश्व का बहुत बड़ा दुर्भाग्य हुआ कि धर्म के शुद्ध स्वरूप को खो बैठे। भारत का तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य हुआ पिछले 2000 वर्षों में धर्म और संप्रदाय पर्यायवाची शब्द हो गए। जो स्पष्ट रूप से संप्रदाय है उसके लिए धर्म शब्द इस्तेमाल होने लगा। जैसे ही धर्म की कोई बात करे, इतने वर्ष हुए ब्रह्मदेश से आए, जहां धर्म शब्द का प्रयोग करता हूं सुनने वाले के कान खड़े होते हैं, ये व्यक्ति कौन से धर्म की बात करेगा, बौद्ध धर्म की कि जैन धर्म की कि हिंदू धर्म की कि ईसाई धर्म की कि मुस्लिम धर्म की कि सिख धर्म की, कौन से धर्म की बात करेगा। ये विशेषण साथ नहीं लगे तो जैसे धर्म ही नहीं होता। धर्म के साथ कोई विशेषण लगना चाहिए, कोई पुछल्ला लगना चाहिए, हिंदू का लगे, बौद्ध का लगे, जैन का लगे, ईसाई का लगे, मुस्लिम का लगे, तो धर्म है। अरे धर्म का अपना अस्तित्व है भाई, बड़ा महान अस्तित्व है जो अनंत है। ऐसा कुदरत का कानून जिसकी हुकूमत सब पर चलती है, जिस कानून को अणु अणु धारण करता है, जो अणु अणु को धारण करता है, सजीव निर्जीव सब पर जिसकी हुकूमत चलती है, वो रित, वो विश्व का विधान, भारत में उसे धर्म कहा जाता था। वो हिंदू कैसे होगा, वो बौद्ध कैसे होगा, ईसाई कैसे होगा, जैन कैसे होगा। ये समूह है, कुछ एक लोगों के ऐसे लोगों का समूह, ऐसे लोगों का समाज, ऐसे लोगों का संप्रदाय, जो एक किसी प्रकार की रीति नीति पालने वाले, पर्व त्योहार मनाने वाले, एक किसी प्रकार का व्रत उपवास करने वाले, एक किसी प्रकार का कोई कर्मकांड करने वाले, एक किसी प्रकार की कोई दार्शनिक मान्यता मानने वाले, तो एक समाज ऐसा, एक समाज ऐसा, एक समाज ऐसा। धर्म से लेन देन नहीं, दूर परे कभी संबंध नहीं। धर्म तो कुदरत का कानून है, जैसे कहें आग का धर्म है जलना और जलाना, तो ये कानून है, ये नियम है, ये उसका स्वभाव है। धर्म का अर्थ ही भारत में स्वभाव होता था, लक्षण होता था, गुण धर्म स्वभाव लक्षण पर्यायवाची शब्द होते थे भारत में। अग्नि का स्वभाव है जलना और जलाना, अगर उसका स्वभाव जलना और जलाना नहीं हो तो वो अग्नि नहीं, उसे अग्नि कैसे कहेंगे। ऐसे ही बर्फ का स्वभाव है शीतल होना, शीतल करना,
तो उसका धर्म है शीतल होना, शीतल करना। वो शीतल ही नहीं होती, शीतल करती नहीं तो बर्फ नहीं, और कुछ होगा। ठीक इसी प्रकार ये कुदरत के बंधे बंधाए नियम जो सब पर लागू होते हैं, विकारों का धर्म है व्याकुल होना, व्याकुल करना। स्वयं व्याकुल होगा, औरों को व्याकुल करेगा। जैसे ही विकार जागा, जिस व्यक्ति में जागा वो व्याकुल हो जाएगा, आसपास के सारे वातावरण को व्याकुल कर देगा। और विकार निकल जाए, निर्विकार हो जाए, तो निर्विकार चित्त का धर्म है, स्वभाव है, बहुत सुख शांति, बहुत सुख शांति अनुभव करेगा, औरों के लिए भी सुख शांति का निर्माण करेगा। ये उसका धर्म है, ये उसका स्वभाव है। इतनी सीधी सी बात धर्म की हुआ करती थी, कैसे उलझा दिया। मूल बात धर्म की छूट गई और धर्म को इन संप्रदायों के साथ जोड़ दिया, तो एक तरह से धर्म लुप्त ही हो गया। फिर नए सिरे से जागे। हिंदू कहने वाला अपने को हिंदू कहता रहे, कोई दोष की बात नहीं उसमें। अपने पर्व त्योहार वैसे ही मनाता रहे, अपने व्रत उपवास है वैसे ही करता रहे, अपना खान पान रहन सहन वैसे ही रखे, कोई दोष की बात नहीं उसमें। पर धर्मवान तो बने। जैन अपने को जैन कहता रहे, ईसाई अपने को ईसाई कहता रहे, मुसलमान अपने को मुसलमान कहता रहे, बौद्ध अपने को बौद्ध कहता रहे, धर्मवान तो बने। बिना धर्मवान हुए हुए भी एक आदमी अपने को कहता है कि मैं कट्टर हिंदू हूं, कट्टर बौद्ध हूं, कट्टर जैन हूं, कट्टर ईसाई हूं, कट्टर मुसलमान हूं, कट्टर सिख हूं। रोज देखते हैं ना, धर्म का नामो निशान नहीं उस व्यक्ति में, जरा सा शील सदाचार नहीं उसमें, मन उसके वश में नहीं, मन उसका निर्मल नहीं। धर्म के तीन ही बात है, शरीर और वाणी से दुष्कर्म नहीं करे, सदाचार का जीवन जिए, धर्म का पहला कदम। अपने मन को वश में करे, अपने मन का मालिक बने, धर्म का दूसरा कदम। अपने मन को निर्मल करे, धर्म का तीसरा कदम। इन तीनों में से कुछ नहीं है फिर भी अपने आप को बड़ा धर्मवान मानता है। क्यों मानता है? कि वैसे वैसे पर्व त्योहार मना रहा हूं ना अपने संप्रदाय के जो भी हैं, वैसे वैसे कर्मकांड कर रहा हूं ना अपने संप्रदाय के जो भी हैं, वैसी वैसी दार्शनिक मान्यता मान रहा हूं ना, एक बड़ी बीमारी। ये दार्शनिक मान्यता मानता हूं तो बड़ा धर्मवान हूं। एक नशा सारे जीवन भर चढ़ा रहता है, बेचारा धोखे में है। ये 2000 वर्ष का अंधेरा है, भूल ही गए धर्म किसको कहते हैं, तो धोखे में सारा जीवन बीत जाता है। सारे भारत की अवस्था हो गई, पिछले इतने वर्षों से इस देश में आया, शिविरों में लोग आते हैं, शिविरों के बाहर भी मिलते हैं, ऐसे कहने वाले बहुत। मैं कट्टर हिंदू हूं, मैं कट्टर मुसलमान हूं, मैं कट्टर बौद्ध हूं, कट्टर ईसाई हूं, कट्टर सिख हूं, इत्यादि इत्यादि। इतने दिनों में मुझे आज तक एक आदमी ऐसा कहने वाला नहीं मिला जो कहे कि मैं कट्टर धार्मिक हूं। कठिन काम है भाई, कट्टर धार्मिक बनना बड़ा कठिन है, धर्मिष्ठ बनना बड़ा कठिन है। हिंदू बनना आसान है ना, मुसलमान बनना आसान है, जैन बनना आसान है, ईसाई बनना आसान है, सिख बनना आसान है, बौद्ध बनना आसान है, धार्मिक बनना बड़ा कठिन है। अधर्म सारा दूर करे अपने भीतर से तो कहे मैं धार्मिक हूं, दुराचार सारा दूर हो जाए तो कहे मैं धार्मिक हूं, मन बिल्कुल वश में आ जाए, मन के मालिक हो जाए, मन के गुलाम नहीं रहे तो कहे धार्मिक हूं। अपनी प्रज्ञा जगा करके चित्त को निर्मल कर ले और गहराइयों तक निर्मल कर ले तो कहे धार्मिक हूं। कठिन बात है ना। कल्याण तो उसी से होगा, अपने को धोखे में भले रख ले, जब तक स्वयं धर्म नहीं धारण करेगा तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। पुकारे अपने को, चाहे जिस नाम से पुकारे उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्या पड़ा है इन नामों में। हमें साफ नजर आता है कि ये भी पछना की बात अब चली, लोग आते हैं शिविरों में, धीरे धीरे समझ में आता है। एक शिविर में पूरी तरह नहीं समझ में आवे, दो में आएगा, चार में आएगा, पांच में आएगा, समझ में आने लगेगा, अभ्यास करेंगे और समझ में आने लगेगा। तो ये जो सांप्रदायिक बातें हैं, समाजगत बातें हैं, इनको अपनी जगह, और धर्म का अपना अस्तित्व है और महान अस्तित्व है। हमें तो धर्मिष्ठ बनना है, हमें धार्मिक बनना है, हमें धर्मी बनना है, हमें धर्मचारी बनना है, हमें धर्म विहारी बनना है। ये दृष्टिकोण आता चला जाएगा, अपना कल्याण कर लेगा, और ये दृष्टिकोण जितना जितना बढ़ेगा उतना उतना देश का कल्याण होगा, और बढ़ेगा सारे विश्व का कल्याण होगा।
क्योंकि लोग धर्म को, सदाचार को महत्व देना शुरू कर देंगे, चित्त की मलकियत को महत्व देना शुरू कर देंगे, चित्त की निर्मलता को महत्व देना शुरू कर देंगे और उसमें सद्गुण जगाएं, मैत्री, करुणा, सद्भावना, इनको महत्व देना शुरू कर देंगे। बाकी बातें कौन, वो अपनी जगह, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं। ये अपने आप में परिपूर्ण है, अपने आप में परिशुद्ध है, ऐसा समझ के इसको महत्व देना शुरू कर देंगे, कल्याण होता चला जाएगा। मनुष्य समाज, मनुष्य समाज 2-4-500 बरस के बाद हमें साफ नजर आता है। 2-4-500 बरस के बाद हम नहीं चाहते, लेकिन फिर भी ऐसे होने की पूरी पूरी आशंका है कि 500 बरस के बाद जैसे आज एक हिंदू धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया, वैसे एक विपश्य धर्म बन जाएगा, विपश्यना धर्म। कोई आदमी विपश्यना करे या न करे, क्योंकि उसके माँ बाप अपने आप को विपश्य कहा करते थे, उसके दादा दादी अपने को विपश्य कहा करते थे, उसके परदादा परदादी अपने को विपश्य कहा करते थे, उस घर में जन्मा है ये भी अपने को विपश्य कहता है, विपश्यना करना बिल्कुल नहीं जानता, करता भी नहीं, फिर भी अपने को विपश्य कहेगा, तो संप्रदाय बन गया ना, अच्छे संप्रदाय बनते हैं। वो अवस्था जितनी देर से आए उतनी अच्छी, जितने समय तक धर्म अपने शुद्ध रूप में रहे उतना कल्याणकारी। तो जागा है तो खूब अच्छी तरह समझें, इन संप्रदायों से हमें कोई लेन देन नहीं। नाम अपना बौद्ध रख लें कि जैन रख लें कि ईसाई रख लें कि विपश्य रख लें, कुछ मिलने वाला नहीं उससे। हम धारण क्या कर रहे हैं मिलेगा उसी से जो धारण कर रहे हैं। अरे नामों में क्या पड़ा है, जन्म का अंधा और माँ बाप ने नाम रख दिया नयन सुख, तो क्या मिल गया उसे, है तो अंधा ही ना, और नाम नयन सुख। जन्म का दुखियारा और नाम रख दिया सदा सुख, काहे का सदा सुख, नामों में पड़ा क्या है। हमारे यहां राजस्थान में एक कहावत चलती है कि लक्ष्मी धरा नाम न पीसो न टक्को और विद्या धरा नाम न कक्को न खक्को। क्या हुआ, इन नामों से क्या मिला। गंगा धरा नाम न नहाबो न धोबो और यशो धरा नाम कोई जाने न पूछे। क्या मिल गया इन नामों से, बड़े लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे नाम रख लिए। जीवन में उतरना चाहिए ना, कल से अपने आप को धार्मिक कहना शुरू कर दें। मैं कट्टर धार्मिक हूं ऐसा कहने भी लगे और जीवन में धर्म का नामो निशान नहीं, मिला क्या भाई। खूब अच्छी तरह समझें, धारण करे तो ही धर्म है, धारण करे तो ही उसका लाभ है, अन्यथा लाभ नहीं है। तो शरण हम धर्म के लिए रहे हैं, मानो धर्म जीवन में उतरने का काम हम करने लगे, कदम कदम चलने लगे, गच्छामि चल रहा हूं, प्रतिपादन कर रहा हूं। एक एक कदम चलता है, धारण करता है, धारण करता है, यूं करते करते अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। बस इस समझदारी के साथ, शरण व्यक्ति के नहीं, शरण गुणों की, और शरण गुणों की वो कि जो गुण हमारे भीतर हम जगाएं। फिर भी एक बात और इस संदर्भ में समझ लेनी चाहिए, जो व्यक्ति सचमुच धर्म के रास्ते आगे बढ़ने लगा, सचमुच धर्म में पकने लगा, तो अनेक मापदंड होते हैं मापने के कि ये आदमी सचमुच धर्म में आगे बढ़ने लगा कि नहीं। एक मापदंड ये भी होता है कि जो व्यक्ति सचमुच धर्मवान होने लगा, धर्म में आगे बढ़ने लगा, तो उसके दो गुण उजागर होने लगेंगे और वो दोनों के दोनों गुण दुर्लभ हैं, सामान्य व्यक्ति में नहीं आते। अच्छा धर्मवान व्यक्ति होगा तो ये दो गुण आएंगे। क्या दो गुण हैं? एक गुण तो ये कि ऐसा व्यक्ति जो धर्म में पुष्ट हो गया, वो बिना बदले में कुछ चाहे हुए लोगों की सेवा करेगा। बदले में कुछ उसे कामना नहीं कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, आगे होकर के पहले सेवा करेगा, लोगों का कैसे कल्याण हो जाए, लोगों का कैसे भला हो जाए,
रंच मात्र भी उसके मन में ये भाव नहीं होगा कि मुझे क्या मिल रहा है। अरे भले रुपया पैसा नहीं मिले, अरे कम से कम सम्मान तो मिले। ये लोग सिर तो झुकाए मेरे सामने और मुझे ये तो कहिए बहुत संत है, बहुत महान है, अरे ये भी नहीं कहते। इतनी सेवा करता है लोगों की, अप्रिशिएट ही नहीं करते। हमारी सेवा का कोई अप्रिशिएशन ही नहीं, कोई मूल्यांकन नहीं, कैसे लोग हैं ये? तो समझना चाहिए अभी धर्म नहीं आया इस आदमी में, बहुत कच्चा है। जहां जहां बदले में कुछ चाह है वहां वहां ये एक दूषण है। जैसे दान देता है और दान देने में बदले में कुछ चाह है, चाहे प्रसिद्धि की ही चाह है, दूषित हो गया दान। किसी से प्यार करता है और बदले में कुछ चाह है, दूषित हो गया। ऐसी सेवा करता है और बदले में कुछ चाह है, दूषित हो गई सेवा, शुद्ध नहीं है, धर्म की बात नहीं है। तो ये गुण जिस व्यक्ति में आने लगा, ये एक प्रतीक है इस बात का कि ये व्यक्ति धर्म में पकने लगा। दूसरा एक गुण कि स्वयं तो किसी की सेवा करे, किसी की सहायता करे, तो बदले में कुछ नहीं चाहे, लेकिन अन्य कोई व्यक्ति मेरी सेवा करे तो कृतज्ञता से भर जाए मन। अरे प्राप्त हुआ मुझे इससे, ये प्राप्त हुआ, किसी से मुट्ठी भर अनाज भी मिल जाए खाने के लिए, मन कृतज्ञता से भर जाए, मुझे इससे ये प्राप्त हुआ। जैसे जैसे धर्म में पकता चला जाएगा, ये दूसरा गुण कृतज्ञता का गुण जागेगा ही। पुरानी भाषा में कहते थे कृतज्ञता, कृतज्ञता ये मापदंड है जिससे मापा जाता है कि आदमी धर्मवान हो रहा है कि नहीं। तो शरण गौतम, सिद्धार्थ गौतम नामक व्यक्ति की कदापि नहीं, लेकिन जैसे जैसे धर्म में पकता जाएगा, सिद्धार्थ गौतम नाम के बुद्ध के प्रति, व्यक्ति के प्रति मन में कृतज्ञता का भाव तो जागेगा ही, जागेगा ही। अरे ये इतनी कल्याणकारी विद्या, चित्त को गहराइयों तक वैज्ञानिक ढंग से निर्मल कर देने वाली विद्या, भारत से नहीं सारे विश्व से लुप्त हो गई थी ना। कितनी मेहनत करके इस व्यक्ति ने उसे खोज निकाला। अच्छा भाई खोज निकाला और उससे केवल अपना कल्याण करके रह जाता, स्वयं मुक्त हो गया, चित्त निर्मल हो गया और किसी की सेवा नहीं करता, तो उसी के साथ ही जागी हुई विद्या खत्म हो जाती। लेकिन जब ये विद्या जागी, मुक्त हुआ, तो कितनी करुणा जागी, कितनी करुणा जागी। अरे इस संसार के सारे लोग दुखियारे हैं, ये विद्या मुझे प्राप्त हुई, खोई हुई विद्या मुझे प्राप्त हुई, बांटू लोगों को, बांट तो बांटता गया, बांटता गया, और जिन जिन लोगों को तैयार किया उनको भी कहता बांटो। चरथ भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय, लोगों पर अनुकंपा करके उनके भले के लिए, उनके सुख के लिए, अपने लिए नहीं। ये पहला नियम होता है बांटने वाले का, अपने लिए कुछ चाहना नहीं। लोक कल्याण कैसे हो, अधिक से अधिक लोगों का भला कैसे हो जाए, अधिक से अधिक दुखियारे लोग अपने दुखों के बाहर कैसे निकल आए, इस अनुकंपा के साथ, इस करुणा के साथ बांटो, बांटो। और लगे बांटने लोग नहीं ऐसा करता तो हमें कैसे प्राप्त होती? भाई प्राप्त हुई ना। बातें तो बुद्ध के पूर्व भी वही थी, बुद्ध के समय भी वही थी, बुद्ध के बाद भी वही है। अपने चित्त को निर्मल करो, विकारों से मुक्त करो, वीतराग बनो, वीतद्वेष बनो, वीतमोह बनो, स्थित प्रज्ञ बनो, अनासक्त बनो, जीवन मुक्त बनो। ये बातें नहीं समाप्त होती, ये कायम रहती है। समाप्त विद्या हो जाती है, विद्या समाप्त हो जाती है। अपने अनुभव की बात करूं, बहुत कट्टर हिंदू सनातनी घर में जन्मा, तो ये सारी सैद्धांतिक बातें तो बचपन से पढ़ता आया। गीता पढ़ी, बड़ी गहराई से पढ़ी, अपनी जान जितनी बुद्धि थी, जितनी समझ थी, उपनिषद पढ़े, और ये सारी बातें धर्म की, धर्म ही धर्म की बातें, कैसे अनासक्त हो जाओ, कैसे प्रज्ञा में स्थित हो जाओ, कैसे जीवन मुक्त हो जाओ, वीतराग बन जाओ, वीतद्वेष बन जाओ, यही स्थित प्रज्ञता है। पाठ करते थे रोज, स्थित प्रज्ञ का भाषा,
और उसका क्या सारे गुण होते हैं उसका पाठ करते थे, खूब समझते भी थे बुद्धि से। कैसे हो जाए ये बताने वाला नहीं, कौन बताए, क्योंकि कैसे हो जाए ये विद्या ही लुप्त हो गई देश से। बुद्धि के स्तर पर चिंतन करके कोई व्यक्ति स्थित प्रज्ञ बन जाए, बुद्धि के स्तर पर चिंतन करके कोई व्यक्ति वीतराग हो जाए, असंभव बात है। मानस का ऊपरी ऊपरी हिस्सा भले प्रज्ञा में आ जाएगा, ऊपरी ऊपरी हिस्सा निर्मल भी हो जाएगा, ऊपरी ऊपरी हिस्सा वीतराग भी हो जाएगा, पर इतना बड़ा बाकी मानस वैसे रागरंजित है, वैसे द्वेष दूषित है, वैसे मोहि मूढ़ है, तो जीवन तो विकारों से भरा पड़ा है, छुटकारा होता नहीं। तो इस बात की तड़प थी कि ये सारी सिद्धांतिक बातें धर्म की बड़ी अच्छी हैं पर मुझमें तो नहीं आ रही, मुझमें तो नहीं आ रही। पहले ही शिविर में अपने गुरुदेव के पास गया तो गया जरा हिचक के साथ, ये बौद्धों का है, ये बौद्धों का है, बौद्धों का है, बौद्धों का है, क्योंकि मैंने अपने सांप्रदायिक रंग के चश्मे लगा रखे हैं, स्वयं संप्रदायवादी हूं तो सब संप्रदायवादी लगते हैं मुझे। वो खूब समझाते हैं कि संप्रदाय से लेन देन नहीं, मैं शुद्ध धर्म सिखाता हूं, लेकिन मेरी आंखों पर तो संप्रदाय का चश्मा लगा है ना, मुझको लगता है ये भी संप्रदाय है, ये इनका संप्रदाय है। लेकिन दो दिन बीते, चार दिन बीते, पांच दिन बीते, एक एक दिन जो बीतता जा रहा है, मन इस कदर गदगद हो गया, अरे कहीं नहीं मिली ये विद्या की जो करना सिखाए। उपदेश तो सारी जगह थे, उपदेश तो सारे मैंने न जाने कितने सुने और स्वयं न जाने कितने उपदेश लोगों को देता था उन दिनों। ये गीता का पाठ, ये उपनिषद की व्याख्या, ये उसकी व्याख्या, न जाने कितना बुद्धि विलास, कितना वाणी विलास चलता था, जीवन में नहीं आया। तो संताप भी था कि जीवन में क्यों नहीं आ रहा, अरे ये व्यक्ति, इसने जीवन में उतारने की विद्या दे दी। तो कृतज्ञता के मारे मन इतना विभोर हो गया, जीवन में उतारने की विद्या दे देना। कोई बड़ी अच्छी अच्छी मिठाइयों का वर्ण बार बार सुनाए हमें और मुंह में पानी आए, ऐसी मिठाई तो खानी चाहिए। बार बार उसकी व्याख्या सुनी, ऐसी मिठाई, और कोई हमें सचमुच खिला दे मिठाई, तो दोनों में से किसका उपकार माने भाई। सारे जीवन भर तो मिठाई का वर्णन ही सुनते रह गए ना, धर्म का वर्णन ही सुनते रह गए ना, मुक्त अवस्था का वर्णन ही सुनते रह गए ना, मिठाई का वर्णन था। जिस व्यक्ति ने मिठाई जबान पर रख दी, देख चख के देख, है ना, करके देख, अरे उपकार तो उसका मानना ही पड़ेगा। तो ये जो बुद्ध के प्रति, सिद्धार्थ गौतम नाम के बुद्ध के प्रति जो ये कृतज्ञता का भाव जागे, तो समझो कि धर्म में पक रहे हैं, किसी संप्रदाय में बिल्कुल दीक्षित नहीं हो रहे, धर्म में पक रहे हैं। जिस व्यक्ति ने इतनी बड़ी विद्या, दुनिया की खोई हुई विद्या फिर खोज निकाली और लोगों को बांटनी शुरू की, और लगाया अपने लोगों को बांटो बांटो, और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग बांटते गए, बांटते गए, बड़े शुद्ध चित्त से 400-500 वर्ष तक इस देश में शुद्ध रूप में रही, पड़ोस देशों में गई, वहां कुछ दिनों शुद्ध रूप में रही, समाप्त हो गई। एक पड़ोसी देश ने संभाल के रखा, भले थोड़े से लोगों ने संभाल के रखा, बाकी सब तो उसी तरह कर्म कांडों में पड़े, सांप्रदायिक मान्यताओं में पड़े, भिन्न भिन्न जंजालों में पड़े। नहीं कह सकते कि वो बुद्ध की शुद्ध शिक्षा को मानने वाले हैं, नहीं मानने वाले, लेकिन थोड़े से लोग, बहुत थोड़े से लोग, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, शुद्ध रूप में इस विद्या को कायम रखा। तो मन बड़ा कृतज्ञता से भरता है, ये लोग शुद्ध रूप में नहीं कायम रखते तो मुझे कैसे प्राप्त होता, कृतज्ञता का भाव जागता है। अरे यूं लगता है जैसे बुद्ध ने मेरे लिए ही ये विद्या ढूंढ निकाली, मुझे प्राप्त हुई, मेरा कल्याण हो गया, और ये गुरु शिष्य परंपरा द्वारा इन लोगों ने शुद्ध रूप में रखी, मेरे लिए रखी, मुझे प्राप्त हुई, मेरा कल्याण हो गया। अरे इस प्रकार कितनों का कल्याण हो रहा है, तो कृतज्ञता से मन भरता है। ये सद्गुण जरा सा भी नहीं आए तो अभी कच्चा है, बढ़ेगा धीरे धीरे, समय लगेगा, क्या करें, संप्रदाय के लेप इतने कड़े होते हैं, टूटने में समय लगता है। दार्शनिक मान्यताओं के लेप इतने कड़े होते हैं, टूटने में समय लगता है। बड़ा दुख होता है, करुणा आती है। एक भाई जो 10 नहीं 20 नहीं 25-30 शिविर ले लिया और हमें आके कहता है, गोविंदका जी आप क्या ले आए, ये रतन ले आए,
ऐसी साधना भारत में क्या दुनिया में कहीं नहीं, आप ले आए, बहुत कल्याण किया। मैं सारे जीवन भर यही साधना करूंगा क्योंकि इससे बहुत लाभ मिलता है, साधना यही करूंगा लेकिन गोयनका जी धर्म अपना ही पालन करूंगा। हम उसके मुंह की ओर देखें, ये धर्म क्या पालन करेगा और क्या धर्म? शील पालन करना धर्म नहीं है उसके लिए, समाधि का अभ्यास करना धर्म नहीं है उसके लिए, प्रज्ञा द्वारा अपने चित्त को नितांत निर्मल करके वीतराग बन जाना उसके लिए धर्म नहीं है, वो तो साधना है। कोई हल्की सी बात है, उसका लाभ होता है अपना, इसलिए करते हैं जो करेंगे, वो बड़ी बात तो वो है कि मैं अपना धर्म पालन करूं, वो नहीं छोड़ता। तो करुणा का पात्र है ना, दया का पात्र है बेचारा, समझा नहीं क्या धर्म पालन करेगा? माने अपने संप्रदाय की कोई कर्मकांड है, कोई व्रत उपवास है, अपने संप्रदाय की कोई दार्शनिक मान्यता है, वो जरूर, बस वही धर्म है। और ये तो है, कोई साधना है, ये ठीक है। कहां डूब गया धर्म? देश की क्या हालत हो गई, धर्म का अपना इतना बड़ा महान अस्तित्व उसे खो बैठे, और सांप्रदायिक बात इतनी अच्छी लगने लगी, इतनी गहरी आसक्ति होगी उसके प्रति, समय लगता है। हम भी समझते हैं, भाव से बड़े भाग्यवान लोग होते हैं, पुण्यवान लोग होते हैं, एक दो शिविर में बात समझ में आ जाती है तो वो कोई संप्रदायवादियों से घृणा नहीं करते, प्यार करते हैं, उनके प्रति करुणा जगाते हैं, द्वेष नहीं करते। लेकिन बात समझ में आ गई कि ये संप्रदाय है, दुनियादारी के लिए इस तरह की बातें चलती हैं, करें वो अपनी जगह, लेकिन धर्म शुद्ध तो ये है कि मैं शीलवान कैसे बन जाऊं, मेरी सदाचार में शील में जरा सा खोट न रह जाए, मेरी समाधि कैसे सम्यक हो जाए, पुष्ट हो जाए, शुद्ध हो जाए, मेरी प्रज्ञा कैसे जागृत हो जाए तो चित्त के विकार गहराइयों तक निकाल दूं, ऐसा निर्मल चित्त हो जाए कि सारे जीवन में वो निर्मलता बोलने लगे, मैत्री जागे, करुणा जागे, सद्भावना जागे, मेरा जीवन सार्थक हो जाए, मनुष्य जीवन सार्थक हो जाए। ये बात समझ में आने लगती है बहुत से लोगों को। ये सारे लोग जो शिविरों में आते हैं वो इस तरह का कहने वाले आते हों कि साधना तो आपकी करेंगे लेकिन धर्म अपना पालन करेंगे, ऐसे सब कहने वाले नहीं आते। तो उदाहरण दिया कि किस तरह से उलझे हुए लोग हैं और कैसे समय लगता है निकलने में। तो ये दो बात बड़ी अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि शरण किसी व्यक्ति की नहीं, व्यक्ति की शरण होगी तो संप्रदाय में चलेगी, फिर तो संप्रदाय ही संप्रदाय है, समझ लेना चाहिए। गुणों की शरण है तो सार्वजनिक बात है, गुण सबके होते हैं, अपने को हिंदू कहने वाला भी ऐसा गुण धारण करने वाला हो सकता है, अपने को मुसलमान कहने वाला भी, जैन कहने वाला भी, ईसाई कहने वाला भी ऐसे ही गुण धारण करने वाला हो सकता है, और अपने को हिंदू बौद्ध जैन ईसाई कहने वाला ऐसे गुणों से वंचित भी हो सकता है, बिल्कुल नामी नहीं है उसमें। तो गुणों की महत्ता है और मैं गुणों की शरण जा रहा हूं, वैसा व्यक्ति संप्रदाय में नहीं बंध रहा, वो शुद्ध धर्म के रास्ते चलने लगा। ये बात बहुत अच्छी तरह समझ करके ये तीन रत्नों की शरण ली। आगे भी कभी कोई शंका है तो खूब अच्छी तरह समझना चाहिए, हम किसी संप्रदाय में नहीं बंध रहे, हम गुणों की शुद्ध धर्म की शरण है, और वो धारण करने पर ही वो हमारे लिए द्वीप बनेगा, हमें शरण देगा, और कोई शरण देने वाला नहीं है, अनन्य शरण, कोई अन्य शरण नहीं है। ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आने लगेगी। फिर क्या काम शुरू किया, पांच शील लिए। ये पांच शील धर्म की आधारशिलाएं हैं, बहुत तरह की साधनाएं 2500 वर्ष पूर्व के भारत में भी अनेक ऐसे आचार्य थे, कुछ आचार्य ऐसे थे जो शील सदाचार को बहुत महत्व देने वाले, लेकिन अनेक ऐसे आचार्य भी थे उनको शील सदाचार से कोई मतलब नहीं, तुम्हारे जो मन में आए से करो, न कोई किसी सत्कर्म का पुण्य होता है, न दुष्कर्म का पाप होता है, क्या पड़ा इन सारी बातों में, करो जो मन में आए सो करो, लेकिन ऐसा ध्यान कराएंगे उसमें ऐसा आनंद आएगा, ऐसा आनंद आएगा। अब लोगों को इतनी बड़ी छूट मिल जाए कि जो मन में आए सो करो और फिर भी ध्यान करके आनंद लो, तब और क्या चाहिए। बड़ी भीड़ लोगों की उनके पास लगा करती थी, ऐसा पागलपन आज भी तो चलता ही है कि शील सदाचार मानो या न मानो, ध्यान करो हमारे पास फिर देखो, ऐसा आनंद आएगा, ऐसा आनंद आएगा। धर्म नहीं, धर्म की बुनियाद ही हिल गई। अरे शरीर और वाणी के कर्मों को भी नहीं सुधार सके तो अंदर गहराइयों से जाकर के चित्त के कर्मों को सुधारना असंभव बात है। और फिर ये सारा का सारा मार्ग तो अपने भीतर सच्चाई का दर्शन करने का मार्ग है, अपने भीतर गहराइयों तक सच्चाई को देख करके जहां जहां विकार है उन विकारों को निकाल बाहर करने का मार्ग है। तो ये अपने भीतर जो अनुसंधान करेंगे सच्चाई का वो हो नहीं सकेगा,
एक ओर शील भंग करते जाएं, सदाचार तोड़ते जाएं, दूसरी अपने भीतर सच्चाई का अनुसंधान करें, यह होता नहीं। समुद्र पर बड़ा तूफान आया हुआ, मानसून है, और हमें खोज करनी है कि इसके नीचे कहीं तेल के कुएं मिल जाएं। तो मानसून में नहीं खोज हो सकती, चुप बैठना पड़ता है। मानसून समाप्त हो जाए उसके बाद फिर खोज शुरू हो जाती है। लहरें तो फिर भी रहेंगी, समुद्र की लहरें सारी समाप्त हो जाए उसके बाद हम खोज शुरू करेंगे तो वो समय आएगा नहीं कभी। तो हमारे मानस पर विकारों की लहरें तो रहेंगी, लेकिन इतनी ऊंची ऊंची लहरें, हम जब हत्या करते हैं तो बहुत ऊंची लहरें, चोरी करते हैं बहुत ऊंची लहरें, व्यभिचार करते हैं बहुत, कोई सा भी शील तोड़ें तो हमारे मानस के ऊपरी हिस्से पर तूफान आ गया जैसे। ऐसे तूफान की अवस्था में हम गहराइयों में जाके सच्चाई का दर्शन कर सकें, होने वाली बात नहीं। इसलिए भाई कम से कम 10 दिनों के लिए तो शील का कड़ाई से पालन करो। शील ठीक से नहीं पालन किया गया तो समाधि सम्यक समाधि नहीं होगी। सम्यक समाधि वो जो हमको प्रज्ञा की ओर ले जाए, होगी नहीं वो, और चित्त किसी तरह से एकाग्र हो जाएगा, किसी विकार को लेकर एकाग्र हो जाएगा। और सम्यक समाधि नहीं होगी तो प्रज्ञा नहीं जागेगी, और प्रज्ञा नहीं जागेगी तो विकार भी मुक्त नहीं होगा, निर्वाण नहीं प्राप्त होगा। तो शील बहुत आवश्यक है, शील के बिना समाधि नहीं होती, लेकिन समाधि के बिना शील भी नहीं होता। मन ही वश में नहीं है तो शील का पालन कैसे करेंगे? तो घोड़े को आगे रखें, गाड़ी को आगे रखें, कठिनाई खड़ी हो गई। इस कठिनाई को दूर करने के लिए रास्ता निकाला गया, कम से कम 10 दिनों के लिए घर बार छोड़ करके भिक्षु का सा जीवन जीने के लिए एक जगह एकत्र हो जाओ। वहां वातावरण ऐसा होगा कि उस वातावरण में कहां शील भंग करने जाओगे, कौन सा शील भंग करोगे? और इतना दिन भर इतना काम, सुबह 4, 4:30 बजे से रात को 9, 9:30 बजे तक अवसर ही नहीं कि किसी तरह का शील भंग करें। तो भले परिस्थितियों के कारण, भले वातावरण के कारण, भले व्यस्त कार्यक्रम के कारण, हमने शील पालन तो किया ना। तो शील पालन किया तो मन एकाग्र सही दिशा में होने लगा। अब सही दिशा में मन एकाग्र हुआ तो प्रज्ञा जागने का काम शुरू हुआ। अब देखें, जैसे जैसे प्रज्ञा जाग रही है वैसे वैसे समाधि पुष्ट हो रही है, जैसे जैसे समाधि पुष्ट हो रही है वैसे वैसे शील पुष्ट हो रही है। तीनों एक दूसरे की मदद करने लगे। शील समाधि की मदद करता है, समाधि शील की मदद करता है, शील प्रज्ञा की मदद करता है, प्रज्ञा शील की मदद करती है, समाधि प्रज्ञा की मदद करता है, समाधि प्रज्ञा समाधि की मदद करती है। जैसे तीन टांग की तिपाई है, तीनों मजबूत, एक कमजोर हो जाए तो तिपाई गिर जाएगी। तीनों को मजबूत करने के लिए इस तरह का कार्यक्रम पुराने समय से चला आया। एक जगह एकत्र हो जाए, किसी तपोभूमि में एकत्र हो जाए, कड़ाई से शील का पालन करते हुए इस विद्या को सीखें। तो ये 5 शील लिए कोई कर्म कांड पूरा करने के लिए नहीं, ये धर्म के, इस साधना के अभिन्न अंग हैं, आधारशिलाएं हैं, बुनियाद हैं, इनके बिना बात बनती नहीं, इसलिए इनका पालन किया। फिर आगे चले, अपने आप को 10 दिनों के लिए आत्मसमर्पित किया। तो उस समय भी समझाया, फिर भी समझना चाहिए कि समर्पण किसको? इस विद्या को समर्पण है। ये भारत की क्या विश्व की बहुत पुरातन विद्या, बहुत पुरातन विद्या, न जाने कितनी बार जागी, 200-400-500 वर्ष चली, फिर ऐसे बावली आदमी के हाथ में चली गई जिन्होंने कुछ जोड़ना तोड़ना शुरू कर दिया, उसमें अपनी कोई संप्रदाय की बात डाल दी, ये कर दिया वो कर दिया। यूं होते होते उसकी शुद्धता खत्म हुई, शुद्धता खत्म हुई तो उसका जो लाभ मिलना था लाभ मिलना बंद हो गया, लाभ मिलना बंद हो गया तो लोगों ने अभ्यास करना बंद कर दिया, समाप्त हो गई, भूल गए लोग। फिर कोई ऐसा महापुरुष जागा, उसने खोज निकाली और फिर चली कुछ दिनों तक, कुछ सदियों तक, फिर समाप्त हो गई। तो ये भारत की बहुत पुरातन विद्या है, बहुत पुरातन विद्या है, लेकिन क्योंकि पिछले 2000 वर्षों से भारत से लुप्त हो गई तो आज बड़ी नई सी लगती है। तो इसको अगर समर्पित होकर काम नहीं करेंगे तो थोड़ा सा अपना जोड़ेंगे, ये हमारी परंपरा में तो ये बात है, ये भी तो अच्छी है, ये कर रहे हैं, चलो थोड़ा सा वो भी कर लें, चलो थोड़ा सा वो भी कर लें, तो एक तो अपनी हानि कर लेंगे, बहुत बड़े खतरे की बात है। और दूसरी बात ये कि इसको अजमा के कैसे देखोगे भाई? 10 दिनों तक जैसे बताया जाए, जितना बताया जाए ठीक वैसे ही करें, उतना ही करें, उसमें कुछ अपनी ओर से जोड़े नहीं, कुछ तोड़े नहीं, तब तो ये कहेंगे कि हमने अजमा के देख लिया। तो ये जो आत्मसमर्पण 10 ही दिन का आत्मसमर्पण है ना, 10 दिन पूरे हुए तो देखें अपने आप को कि भाई क्या सचमुच ये रास्ता ठीक है कि नहीं, युक्ति संगत है कि नहीं, कल्याणकारी है कि नहीं, इस रास्ते पर चलने पर मेरा और अन्य लोगों का कल्याण होने वाला है कि नहीं। खूब विश्वास हो जाए, समझ में आ जाए बात, तो चले।
तो 10 दिन के लिए समर्पण करना बहुत जरूरी, कि जितने नियम है, उपनियम है, अनुशासन है, समय सारणी है और इस विद्या की शुद्धता है, उसको समर्पित हो रहे हैं। और इसके बाद धर्म की याचना करके काम करना शुरू कर दिया। 3-3.5 दिनों तक आनापान की, सांस को जाना, उस दिन भी समझाया, आज फिर समझाते हैं, सांस की कसरत नहीं है, सांस पर नियंत्रण नहीं करना है, सारा का सारा मार्ग यथाभूत ज्ञान दर्शन, यथाभूत जैसा हुआ वैसे उसे ज्ञान पूर्वक जान लिया, जैसा हुआ उसे ज्ञान पूर्वक जान लिया, तो ज्ञान सम्यक है तो दर्शन सम्यक है, बस जैसा है वैसा है। सांस गहरा है तो गहरा है, छिछला है तो छिछला है, बायां सुर है तो बायां सुर है, दाहिना सुर है तो दाहिना सुर है, हम उसमें कोई हेर फेर नहीं करते। हमें अपना दृष्टा भाव पुष्ट करना है, भोक्ता भाव का जीवन तो जीते रहे, सारे जीवन जीते रहे, अनेक जन्मों से जीते आ रहे हैं, अनेक जन्म को न माने, इसी जन्म में भोक्ता भाव का जीवन जिया, अब उसको पलटना है, तो पलटने के लिए शुद्ध सांस का सहारा लिया। केवल सांस, इसके साथ कोई शब्द नहीं जुड़ जाए। भविष्य में भी आगे जाकर भी काम करोगे, अगर ये रास्ता अच्छा लगा और इस रास्ते आगे बढ़ना है तो ख्याल रखोगे शुद्ध सांस, कुछ इसके साथ जुड़ नहीं जाए, कोई शब्द किसी तरह का भी हो जुड़ न जाए, कोई आकृति, कोई कल्पना, कोई रूप इसके साथ जुड़ न जाए। तो पहले भी समझाया कि जैसे ही कोई शब्द जुड़ेगा, उस शब्द को बार बार दोहराते मन एकदम एकाग्र होने लग जाएगा, मन तो एकाग्र हो जाएगा लेकिन सांस के सहारे अपने मन के विकारों की जड़ों तक पहुंचने का जो काम था, संवेदनाओं को जान लेने का जो काम था, वो छूट गया, वो रास्ते ही छूट गया और रास्ते पड़ गए, एकाग्र हो गया मन। मन एकाग्र कर लेना हमारा लक्ष्य नहीं है, मन एकाग्र करना हमारे लिए लाभदायक है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन मन एकाग्र करके हमारी प्रज्ञा जगानी है, मन के विकारों को दूर करना है, मन को निर्विकार बनाना है, वो अवस्था नहीं प्राप्त होती है। और मन एकाग्र होकर केवल ऊपर के विकार जरा से निकल जाए तो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। वीतराग वो जो जड़ों तक राग निकाल दे, उसका नामो निशान नहीं रहे, तो वो अवस्था तक पहुंचना हमें। तो सांस के साथ कुछ भी जोड़ देंगे, एकदम गाड़ी रुक जाएगी कहीं ना कहीं जाकर के, बार बार दोहराते एक संप्रदाय में बंधेंगे, वो तो है ही, कौन सा नाम लेंगे, किसी देवी का, देवता का, ईश्वर का, ब्रह्म का, जो अमुक संप्रदाय के साथ संबंधित है, अमुक से संबंधित है, उस मारे उलझेंगे, वो तो खतरा है ही। अच्छा वो नए भी हो और कही कहे कि हम किसी संप्रदाय का नाम नहीं लेंगे पर शब्द जरूर जोड़ेंगे, भीतर सांस आया तो कहेंगे आया, बाहर गया तो कहेंगे गया, आया गया, आया गया, क्योंकि बार बार शब्द मनी मन उच्चारण कर रहा है तो मन एकाग्र करना आसान हो गया, खतरा है। ये जो आया गया करने लगोगे तो फिर सांस आए या नहीं आए तो भी आया कहोगे, सांस गया कि नहीं गया तो भी गया कहोगे, वो मंत्र बन गया, बार बार दोहराओगे आया गया आया गया आया गया, चित्त एकाग्र हो जाएगा, सांस को भूल जाओगे, काम की बात नहीं हुई। तो कोई शब्द जुड़ने ना पाए, इसी तरह से कोई रूप, कोई आकृति जुड़ने ना पाए, नहीं तो वो प्रमुख हो जाएगा और सांस को जानना कमजोर पड़ जाएगा। यथाभूत जैसा हुआ वैसा हुआ, आपो आप निरंजन सोई, था बिया न जाई कीता न हुई, इस पर कुछ और थोपे नहीं, कुछ क्रिएट नहीं करें, जो नेचुरली हो रहा है आपो आप हो रहा है बस उसी को जाने। ये सांस का काम शुरू किया, करते करते 3 दिन बीतते संवेदना महसूस होने लगी। अगर कोई शब्द जोड़ देते इसके साथ, ये संवेदना नहीं महसूस होती, इस प्रकार स्पष्ट नहीं मालूम होती। इसके साथ कोई रूप, कोई आकृति, कोई रंग, कोई रोशनी जोड़ देते, ये संवेदना नहीं महसूस होती, आगे का रास्ता बंद हो जाता, अभी संवेदना महसूस हुई। यही किसी बुद्ध की बोधि होती है, ये बात प्रज्ञा में कदम रखते ही समझ लेनी चाहिए। कोई व्यक्ति बुद्ध बना कि नहीं बना कैसे मापें? जितने इंद्रियों के विषय हैं, इन इंद्रियों के विषय से अपने आप को बचाओ, ये बात तो कायम रहती है, कोई बुद्ध हो या न हो क्या फर्क पड़ता है। कभी किसी बुद्ध ने यह बात कही होगी, किसी अरहंत ने यह बात कही होगी, तो ये शब्द तो छनते हुए आते हैं, सारे वंश परंपरागत से समाज में चले आ रहे हैं, राग मत करो, द्वेष मत करो, ये इंद्रियों के विषय बड़े खतरनाक हैं, इनसे बचो, इनके प्रति अच्छा मान के राग मत करो, इनके प्रति बुरा मान के द्वेष मत करो। यही बात अगर कोई आदमी कहता है मैं बुद्ध बन गया और मैं सिखाता हूं, तो क्या फर्क पड़ा भाई,
तो क्या बुद्ध बन गए, तुम सुनते ही आ रहे थे ना, तुम्हें क्या सिखाया? इंद्रियों के जो विषय हैं बाहर बाहर के, शब्द हैं, रूप है, गंध है, रस है, स्पर्श है, मन का चिंतन है, ऊपर ऊपर से हमें लगता है कि मेरे मन में जो राग जागा वो इन आलंबनों पर लागा जागा, रूप पर, रंग पर, रोशनी पर, शब्द पर, इत्यादि इत्यादि पर। अच्छा लगा तो राग जागा, बुरा लगा तो द्वेष जागा। ये सच्चाई है, पर ऊपरी ऊपरी सच्चाई है। जब बोधि जाग जाए तो बोधि कैसे जाग जाए? भीतर से सच्चाई का अनुसंधान करते करते ना बुद्ध बना। सच्चाई का अनुसंधान करते करते समझ गया, अरे नहीं नहीं, ये छह इंद्रियां तो हैं और छह इंद्रियों के अपने अपने विषय भी हैं। षडायतन उन दिनों की भाषा में कहा, छह आयतन, छह दरवाजे, छह खिड़कियां और उनके अपने अपने विषय। लेकिन उनसे विकार नहीं जागा। विकार कब जागा? षडायतन पच्चया फस, उन छह इंद्रियों पर छह विषय आकर टकराए, स्पर्श हुआ और फस पच्चया वेदना, और उससे वेदना जागी। मूल्यांकन हुआ उसका, अच्छा है बुरा है, अच्छा है बुरा है। तो जो वेदना जागी वो सुखद जागी या दुखद जागी? तो वेदना पच्चया तणहा, ये किसी बुद्ध की बोधि होती है कि जो विकार जागा वो इन संवेदनाओं पर जागा। शरीर पर संवेदना हुई और क्योंकि मूल्यांकन बाहर के विषय का ये कर दिया गया बहुत अच्छा, तो संवेदना बड़ी प्रिय हुई, और मूल्यांकन कर दिया गया बहुत बुरा, तो ये वेदना बड़ी अप्रिय हुई। प्रिय हुई तो राग जगाया, अप्रिय हुई तो द्वेष जगाया। तो टुकड़े कर करके सारी सच्चाई को जान गया। तो अब कहां काम किया उसने? संवेदनाओं पर काम किया। तो संवेदना नहीं जागे जिस व्यक्ति की और कहे मैं राग निकाल रहा हूं, मैं द्वेष निकाल रहा हूं, मैं मोह निकाल रहा हूं, ऊपर ऊपर के चित्त का, बुद्धि के स्तर का निकाल रहा है, लाभ भी होता है उससे, जड़ों तक नहीं पहुंच पाया। ये हमारा जो अंतर मन है, जिसको अनकॉन्शियस माइंड कहें, अचेतन चित्त कहें, अर्धचेतन चित्त कहें, वो प्रतिक्षण हमारी संवेदनाओं के साथ जुड़ा रहता है। रात दिन 24 घंटे उसका यही काम है, इन संवेदनाओं को महसूस करो और अच्छे लगे तो राग पैदा करो, बुरे लगे द्वेष पैदा करो। ये जन्म जन्मांतरों से उसका स्वभाव है। जब तक वो स्वभाव नहीं टूटेगा तो जड़ें नहीं सुधरेंगी ना। ऊपर ऊपर से अपने को हजार सुधारते रहें, रात को बड़ी गहरी नींद में सोया है, मच्छर ने काटा, ऊपर के चित्त को कुछ नहीं मालूम, ये भीतर वाली अंतर मन को तुरंत मालूम हो गया, मच्छर काटती दुखद संवेदना हुई, मच्छर उड़ाता है फिर भी संवेदना चल रही है, खुजलाता है। ऐसे रात भर न जाने कितनी बार मच्छर काटते हैं, सुबह कोई पूछे कितनी बार मच्छर काटे थे, पता ही नहीं ना, सोया है ना, कौन सोया है? कॉन्शियस माइंड सोया है, ये अनकॉन्शियस होता नहीं कभी। 24 घंटे सजग है, एक ही बात पर सजग है कि शरीर में क्या हो रहा है और जो हो रहा है उसकी प्रतिक्रिया कर रहा है। वो स्वभाव कैसे पलटे? जब तक वे शरीर में क्या हो रहा है इसकी अनुभूति करने की हमारे में ताकत नहीं आई, हम उसको अनुभव ही नहीं कर पा रहे, तो हम उसके स्वभाव को कैसे पलटेंगे? चित्त के स्वभाव को, अंतर्मन वाले चित्त के स्वभाव को कैसे पलटेंगे? इसलिए 3 दिन केवल सांस का काम करवाया कि कम से कम इतनी दूरी में तो संवेदना महसूस होनी शुरू हुई। ये शरीर पर होने वाली संवेदना सारे शरीर में जिस दिन महसूस होनी शुरू हो गई, उस दिन प्रज्ञा जोरों से जागने लगी। अब मालूम होने लगा अंतर मन को ये संवेदनाएं महसूस हुआ करती थी, अब ऊपर वाले मन को भी महसूस होने लगी। अंदर वाला मन प्रतिक्रिया किया करता था, ऊपर वाला तो खूब जानता था राग मत करो, द्वेष मत करो, राग मत करो, लेकिन भीतर वाला नहीं सुनता कोई बात। अब ये भीतर वाला भी सुनने लगा क्योंकि बीच की दीवारें टूट गई। अब धीरे धीरे भीतर वाले को ट्रेन कर रहे हैं कि देख ये दुखद संवेदना आई तो भाई अनंत काल तक रहने वाली नहीं है, तू देख तो सही कब तक रहेगी, देखते देखते समाप्त हो गई। अरे सुखद आई तो अनंत काल तक रहने वाली नहीं है, देखते देखते समाप्त हो गई। यूं उसके प्रति अनित्य है उसका ही स्वभाव देखने लगे। तो स्वभाव के माने धर्म, धर्म का दर्शन करने लगे। धर्म का दर्शन करते 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 शुक्ल ध्यान होने लगा, चित्त निर्मल होता चला गया, वो विकार निकलते चले गए। ये बात अच्छी तरह समझे बिना विपश्यना में कुछ न कुछ जोड़ ही दोगे, और जोड़ दोगे तो अपने लिए बाधा पैदा कर लोगे, दीवारें खड़ी कर लोगे। शुद्ध, जैसे सांस को शुद्ध रखा ऐसे शुद्ध संवेदना, यहां भी किसी शब्द का प्रयोग नहीं, कोई वर्बलाइजेशन नहीं, किसी कल्पना का प्रयोग नहीं, किसी रूप या आकृति का प्रयोग नहीं, बस केवल संवेदना, बस संवेदना। संवेदना है तो और अधिक इसमें इतना ही जानना है कि इसका स्वभाव संवेदना है, उसे साक्षी भाव से जानते हैं, दृष्टा भाव से जानते हैं तो यथाभूत दर्शन हुआ। उसके स्वभाव को समझते हैं कि देख उत्पाद हुआ, नष्ट हुआ, उत्पाद, तो उसका ज्ञान हुआ, यही यथाभूत ज्ञान दर्शन हुआ, यही सम्यक दर्शन, यही सम्यक ज्ञान, भारत की बहुत पुरानी विद्या, अब भूल भाल गए। तो शब्द तो चलते हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन,
क्या सम्यक ज्ञान, क्या सम्यक दर्शन, हमारी दार्शनिक मान्यता को मानने वाला है वो सम्यक दर्शन। कहा उलझ गए। ये दृष्टा भाव स्थापित हो और उसके प्रति स्थापित हो जो कि अनित्य है, और हम अनित्य को नहीं समझ रहे हैं इसलिए उसके प्रति राग पैदा करते हैं, द्वेष पैदा करते हैं, तादात्म्य स्थापित करते हैं, वो कैसे टूटे, तो उसके स्वभाव को समझ रहे हैं, अनित्य है, देख अनित्य है, देख है। तो ये संवेदना के साथ और कुछ जोड़ते ही तो गड़बड़ हो जाएगा ना, बिगड़ जाएगा। कोई रूप, आकृति, कोई शब्द, यहां तक कि ये शब्द भी नहीं आए, पीड़ा हो रही है तो पीड़ा हो रही है, पीड़ा हो रही है, पीड़ा हो रही है, अरे हो रही है पीड़ा, काहे मन ही मन पीड़ा हो रही है, पीड़ा हो रही करेगा। अगर कुछ बोलना भी पड़ जाए मन में थोड़ा सा भी, तो यही कहेगा अनित्य है, देख उत्पन्न हुआ, नष्ट हुआ, वो भी समझना है। कभी कभार बोल लिया तो बोल लिया मन ही मन, और नहीं कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बोले, कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करेगा, नहीं तो वो शब्द प्रमुख हो जाएंगे, फिर संवेदना गुण हो जाएगी। शब्दों को इसलिए भी नहीं इस्तेमाल करने देते, अगर विपश्यना सिखाने वाला व्यक्ति ये कहे कि भाई देख तुझो राम 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 कहता है ना, ये तुझो नरक में ले जाएगा, ये जो तो महावीर महावीर कहता है नरक में ले जाएगा, ये ओम ओम कहता है नरक में ले जाएगा, ये गॉड गॉड कहता है नरक में ले जाएगा, तो तू खाली बुद्ध बुद्ध कह, ये तुझको स्वर्ग में ले जाएगा, तो समझो संप्रदाय वाला आदमी है, एक संप्रदाय के बाड़े से खींच करके अपने संप्रदाय के बाड़े में बांधना चाहता है। लेन देन नहीं, अरे शब्द शब्द है, क्या फर्क पड़ता है। किसी शब्द को भी भीतर ही भीतर बार 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 दोहराओगे तो क्या होगा, हर शब्द की एक टंकार होती है, एक तरंग होती है, और कुछ शब्द ऐसे हैं जो मंत्र को जानने वाले लोग, मंत्र की तरंगों को समझने वाले लोग, उन्होंने पकड़ी इस बात को कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिनका अर्थ वर्थ कुछ नहीं होता, पर उनकी टंकार बड़ी तेज होती है, जैसे ओम एंग रिंग क्लिंग फट, ये सारे बीज मंत्र कहलाए, क्योंकि इनकी टंकार बड़ी तेज, बार 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 दोहराओगे तो बड़ी जल्दी सारे शरीर में, सारे मानस में तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे महसूस होने लग जाएंगे। लेकिन ये सारी तरंगे क्रिएटेड है ना, हमने निर्माण की ना, एक शब्द को दोहराते दोहराते हमने निर्माण कर लिए, तो कीता न जाए। जिसको सत्य का दर्शन करना है वो बनावटी सत्य का नहीं, आपो आप निरंजन सोई, अपने आप जो हो रहा है उसका करना है, अपने आप क्रोध आने पर कैसी तरंगे होती हैं, द्वेष आने पर कैसी होती हैं, वासना आने पर कैसी होती हैं, भय आने पर कैसी होती हैं, उनको महत्व देना है। ये इम्पोज्ड वाइब्रेशन था पिया न जाए, और इम्पोज कर रहे हैं हम, तो कीता न जाए हम क्रिएट कर रहे हैं। ये आर्टिफिशियल वाइब्रेशन, ये इम्पोज्ड वाइब्रेशन हमको सच्चाई की ओर नहीं ले जाएगी, हमारे अंतर्मन के विकारों के निकालने में सहायक, ऊपर ऊपर के विकार जरूर निकाल देगी, बाधक बन जाएगी। इसलिए कहती है कोई शब्द इस्तेमाल मत करो, इस संप्रदाय का, उस संप्रदाय का मत करो, हमारे संप्रदाय का करो, तो धर्म की बात नहीं हुई। किसी शब्द का वर्बलाइजेशन हो नहीं, इसी तरह विजुअलाइजेशन हो नहीं, कोई कल्पना, कोई रूप, कोई आकृति बाधा बन जाएगी, बहुत बड़ा धोखा होता है। धर्म के क्षेत्र में जहां जहां इन आकृतियों को लेकर के ध्यान किया गया, वहां वहां इतनी भ्रांतियां पैदा हुई। अपने गुरुदेव के पास भी 14 वर्षों तक काम किया, परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी उनके संपर्क में रहे, शिविरों में जाते रहे, सुबह शाम ध्यान कर ध्यान करते रहे, सप्ताह में एक बार रहते रहे उनके साथ, तो बहुत से अनुभव लोगों के हुए, और यहां भी इतने वर्षों में कितने अनुभव हुए। ये जो रूप या आकृति का ध्यान करें तो कितना बड़ा धोखा होता है, बार 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 किसी एक रूप का ध्यान करते 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 मन इतना धोखेबाज है कि जिस रूप का ध्यान कर रहा है उसका बाह्य प्रक्षेपण करना शुरू कर देगा, बाह्य प्रकटीकरण हो जाएगा, बंद आंखों के सामने वो रूप दिखने लगेगा, आओ दर्शन हो गए, हमें तो दर्शन हो गए, कल्याण हो गया, कल्याण हो गया। अरे कल्पना है तेरी भाई, तूने भीतर कल्पना का निर्माण किया, वो कल्पना बाहर आ गई, क्या दर्शन हो गए रे तुझे, धोखे में है ना, और उसको वो सब कुछ मानेगा, बस मिल गया ना, और क्या चाहिए, हमें तो दर्शन हो गए, हमें दर्शन हो गए। ऐसे न जाने कितने अनुभव हुए। नया नया बर्मा से आया था बोधगया में, शिविर लग रहा था, तो पास से कहीं एक भिक्षु जो कि डॉक्टरेट कर रहा था बुद्धवाणी पर, वियतनाम का रहने वाला, चला आया एक शिविर में। 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 4th दिन विपश्यना दी, बड़ा भाव विभोर हुआ, बुद्धवाणी में रुच पड़ता है, उपादवय धम्मिनो, उपादवय धम्मिनो, उदयव्य उदयव्य, अरे ये उदयव्य उदयव्य पुस्तकों का उदयव्य, हमने तो कभी देखा नहीं आज तक, पहली बार देखा सारा शरीर केवल उदय व्यय उदय व्यय। अरे हम तो केवल बुद्धि से कहते थे ये अनित्य है, बदलते रहता है, अब तो अनुभव हुआ, ये भावनामय प्रज्ञा जागी, बड़ा भाव विभोर।
बड़ा कृतज्ञ, अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए आया। हमने कहा भाई तुम्हारा कोई पुण्य है और तुमने काम किया तो प्राप्त हुआ, अगर हमारी कोई करामात होती तो हम बिना घर बैठे ही सबको दे देते ना, काहे बुलाते 10 दिन यहाँ, हर आदमी को काम करना पड़ता है। फिर भी उसकी कृतज्ञता। जाने लगा तो कहता है गोविंदका जी इतना तो आपने किया, बड़ा कल्याण किया, एक काम हमारा और कर दीजिए। क्या करें भाई? तो कहता हमको तुषित देवलोक का दर्शन करा दीजिए। तुषित देवलोक का दर्शन करा दें, क्या मिलेगा उससे? और भाई हमको तो तुषित देवलोक का दर्शन खुद भी नहीं किया, तुमको कैसे करा दें? हमको तो हमारे गुरु ने विद्या सिखाई, वो विद्या हमारे लिए कल्याणकारी, हम तुमको बांट रहे हैं। नहीं गोयनका जी, आप बड़े सामर्थ्य हैं, आप करा सकते हैं, हमारी एक कामना ये तो आप पूरी कीजिए। आप नहीं होगा भाई, हमसे नहीं होगा, हम तो ये विद्या जानते हैं, करो चुपचाप 10 दिन यही काम करो और कुछ नहीं। 2 दिन बीते, आया हमारे निवास वाले कक्ष में आकर के आंखें पानी झरे उसके, इतना भाव विभोर, आपने कल्याण कर दिया, नाना करते रहे हमको ऊपर से, तो आज दर्शन करा दिया आपने, दर्शन करा दिए, तुसी देवलोक का दर्शन करा दिया। कैसा है भाई, हमने तो नहीं दर्शन किया, तूने दर्शन कर दिया तो बता कैसा है? वो अपने धर्म ग्रंथ में अमुक पुस्तक में जो उसको डिटेल लिखी है ना, बिल्कुल वैसा का वैसा। अब हम तो जानते हैं बावले आदमी को क्या दिखा, अपने ही भीतर जो बार 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 उसका चिंतन करता था उसका बाह्य प्रक्षेपण हो गया। फिर आगे पूछा हमने कि तुम इतनी बुद्धवाणी पढ़ते हो, उस पर डॉक्टरेट करने आए हो और ये साधना भी हमारे साथ कर ली, जिस व्यक्ति ने अपना सारा जीवन इस बात में लगाया कि कैसे लोकोत्तर अवस्था में पहुंचे, ये सारे के सारे 31 लोकों के परे की जो अवस्था है, निर्वाणिक अवस्था है, लोग उसके लिए सारा काम कराया और तू इस लोक को देखना चाहता है, तुषित लोक को, अमुक लोक को, क्या मिलेगा तुझे? उसी की लालसा है तेरे मन में कि वहां जन्म ले लूं? ना ना ना, ये तो मैं खूब समझता हूं, इन लोकों के बाहर निकलना है, मैं तुषित लोक में जन्म नहीं लेना चाहता। तो क्यों देखने की क्यों लालसा हुई? तो समझाता हमें, एक मान्यता है कि अगले जो बुद्ध होंगे, अरिमैत्रेय नाम उनका, अरिमैत्रेय बुद्ध इस समय तुषित लोक में बैठ के ध्यान कर रहे हैं। हमें तो उनका दर्शन करना था, तो हमने कहा हो गया दर्शन, गए उसी लिए हम तुषित लोक में, खूब दर्शन करके आए, तो कैसे हैं बताओ भाई हमें? तो कहता हमारे वियतनाम में अमुक गांव में जहां से मैं आया हूं, वहां एक अरिमैत्रेय बोधिसत्व का मंदिर है, उस मंदिर की जो मूर्ति है बस वैसे के वैसे बिल्कुल वहां दिखाई दिए। अरे क्या कहें हम, उसको चोट लगी कि, लेकिन हम तो जानते हैं ना कि बचपन से वो मूर्त देखता आया देखता आया देखता आया, उसकी छाप मन पर है। अब उसका बाह्य प्रक्षेपण हो गया, दर्शन हो गया, हमें तो दर्शन हो गया। बहुत भ्रांति होगी, उलझन में नहीं पड़ जाना, विपश्यना काम करने वाला व्यक्ति इन सारे जंजाल में पड़ता नहीं। कितने इस प्रकार के उदाहरण, बार बार शिविरों में कोई आके कहता है आपने हमको हमारे उपास्य देव का दर्शन करा दिया, आपने हमारी देवी का दर्शन करा दिया, आपने ये कर, अरे बाबा तुम काम किए जाओ, इस संवेदना को देखे जाओ, दर्शन हुए अच्छी बात, उसको एक और रखो, ये काम किए जाओ। कितने तरह की भ्रांतियां फैली है धर्म के नाम पर, साधनाओं के नाम पर, ठिकाना नहीं। एक भाई आके कहता है कि हमको ईश्वर के दर्शन हो गए आपकी इस विपश्यना से हो गए। अच्छा तो कैसा है तुम्हारा ईश्वर बताओ भाई? तो वर्णन करता है, हमको समझाता है कैसा है। गोरखपुर में एक प्रेस चलती है, बहुत नामी एक प्रेस है, उसके पास बड़े अच्छे अच्छे चित्रकार हैं, तो वो कोई ईश्वर के चित्र बनाता है, अवतारों के चित्र बनाता है और छपते हैं, तो उसमें जो चित्र छपा ना बस वैसा ही ईश्वर हमको दिखाई दिया, ऐसे गहने पहने हुए और इस तरह के अलंकारों के साथ, कोई मूछ नहीं कोई दाढ़ी नहीं, सिर के बाल तो हैं लेकिन मूछ नहीं दाढ़ी नहीं। अच्छा तुम्हें ऐसा ईश्वर दिखाई दे गया, बड़ी अच्छी बात। हमारे पास कोई पश्चिम देश का व्यक्ति आता है, वो भी कभी कहता है हमको ईश्वर के दर्शन हो गए। हो गए कैसा हुआ भाई? तो उनके यहाँ ईश्वर की मान्यता ऐसी कि कोई बूढ़ा सा आदमी है, बड़ी लंबी लंबी सफ़ेद दाढ़ी है, सफ़ेद मूछ है और सफ़ेद बाल हैं और लंबा सा सफ़ेद चौंगा पहने हुए है, ऐसे ईश्वर का दर्शन हो गया। अरे तो ईश्वर अगर वही होता तो सबको एक जैसे दर्शन होते ना, तेरे मन पर क्या छाप है ईश्वर के नाम पर वो बाहर आई ना, क्या किया तूने? ऐसे कोई आता हमको तो इस 10 दिन के साधना में आत्मा के दर्शन हो गए। अच्छी बात, कैसी आत्मा के दर्शन हुए? एक भाई आया कच्छ में शिविर लगा, तो चौथे या पांचवें दिन कहता है हमको तो आत्मा के दर्शन हो गए, 20 बरस हो गए, बड़ा तप किया नहीं हुआ, या आपकी साधना बड़ी कल्याणकारिणी, हमको तो आत्मा के दर्शन हो गए। कैसी आत्मा के? तो कहता जितना बड़ा मेरा शरीर उतनी बड़ी आत्मा मेरे सामने आके बैठ गई, हमने देख लिया। अब उसकी परंपरा में यह मान्यता है कि आत्मा जितना बड़ा शरीर उतनी बड़ी आत्मा,
तो उसको तो वही दर्शन होंगे और काहे के दर्शन होंगे। अपनी मान्यता का जो लेप लगा रखा है वो बाह्य प्रत्यक्ष, उसका प्रक्षेपीकरण हो गया, बाहर प्रकटीकरण हो गया। तो हमने पूछ लिया कि आत्मा का दर्शन हो गया तो अंतिम अवस्था प्राप्त हो गई ना तुम्हें, लक्ष्य तो यही है कि हम आत्मा का दर्शन कैसे करें, और तुमने कर लिया। अब तो भाई तुम में विकार नहीं होने चाहिए, मुक्त हो गए ना तुम तो वितराग हो गए, फिर आत्मा का दर्शन हो गया। तो बेचारे का मुंह लटक गया, कहते हैं विकार तो अभी भी है, विकार तो है, तब कहाँ आत्मा का दर्शन हुआ तुम्हें। तब सोचता है और कहता, हाँ एक कमी रह गई, जिस आत्मा का दर्शन हुआ ना उसमें कहीं कहीं काले धब्बे थे इधर उधर, इस मारे अभी विकार नहीं निकले। अच्छी बात, करो अपना काम किए जाओ, विकार निकालने का रास्ता हम बताते हैं, आत्मा का दर्शन तुम्हारा जैसे हो वैसे हो वो तुम जानो। दो दिन के बाद फिर आया, कल रात तो हमें एकदम शुद्ध आत्मा का दर्शन, कहीं दाग नहीं जरा सा भी। कब हुआ? कल रात को हुआ, और मुझसे कोई सुबह 8 बजे मिलने आया, 7:30 बजे 8 बजे। तो हमने कहा इतनी देर में जब तुमको शुद्ध आत्मा का दर्शन हुआ तब से लेकर के अब तक कोई विकार नहीं जागा ना। तो बेचारे का फिर मुंह लटक गया कि रात को तो इतनी वासना जागी, कोई ठिकाना नहीं, मैं तो मुनि हूं, वासना नहीं जागनी चाहिए, लेकिन इतनी जागी। अरे तो तुझे आत्मा का दर्शन हो गया, फिर क्यों विकार जागा रे? धोखा ही धोखा, एक धोखा हो तो आदमी बाहर निकले, कितने धोखों में उलझ गए धर्म के नाम पर। अरे अपने चित्त के विकार निकालने हैं ये लक्ष्य होना चाहिए, अमुक व्यक्ति का दर्शन हो गया ये लक्ष्य नहीं है। हर आदमी अपनी मान्यता के अनुसार दर्शन करेगा, कल्पना करेगा, वैसे दर्शन हो जाएंगे। कोई ये मानता है कि मेरी आत्मा तो अंगूठे की जितनी बड़ी है, अंगुष्ठ प्रमाण, ऐसे भी आए कोई। एक आदमी आया, कहने लगा ध्यान करते 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 हृदय के पास ध्यान गया तो वहां एक गुफा दिखाई दी, बहुत गहरी गुफा, काला ही काला, अंधकार ही अंधकार। मैं चलता गया उस अंधकार में, खूब गया, जाते जाते आगे जाके एक प्रकाश दिखा और हमको अंगूठा दिखाई दिया, अंगुष्ठ प्रमाण। वो तो अंगुष्ठ प्रमाण कहते हैं, अंगुष्ठ की साइज है उसकी, उसको अंगूठा मान लिया, हमको अंगूठे का दर्शन हो गया, हमको तो आत्मा का दर्शन हो गया। कोई आदमी मानता है कि आत्मा तिल जितनी बड़ी, अब उसको तिल दिखने लगेगा। कोई मानता है बाल जितनी बड़ी, उसको बाल दिखने लगेगा। अरे इन रूपों में मिला क्या, इन आकृतियों में मिला क्या, तुम्हारा विकार निकल जाए तब तो ठीक है, दर्शन तुम्हारे काम आया, विकार तो निकला नहीं ना, तो क्या काम आया ये दर्शन? ईश्वर का हुआ कि आत्मा का हुआ कि किसी देवी का हुआ कि देवता का हुआ, उलझ कहाँ गए? एक ही सादे सब सदे, सब सादे सब खोए, एक ही लक्ष्य हो कि धर्म का रास्ता विकारों से विमुक्ति का रास्ता है। मेरे विकार निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, जितने जितने निकल रहे हैं और गहराइयों से निकल रहे हैं, जड़ों से निकल रहे हैं, मैं उतना उतना धर्म के रास्ते आगे बढ़ रहा हूं। बाकी सारी बातों को गौण कर दे, आसपास की, इधर की उधर की, बस एक ही रास्ता, एक ही बात, विकार निकालने हैं। देख राग कहाँ जागा, सुखद संवेदना हुई तो राग जागा, दुखद संवेदना हुई तो द्वेष जागा। अब ये राग का जागना, ये द्वेष का जागना कम हो रहा है कि नहीं हो रहा? जड़ों से कम हो रहा है, हम बिल्कुल ठीक रास्ते जा रहे हैं, बड़े अच्छे रास्ते जा रहे हैं। पुराने विकार हमारे फूट फूट के निकलते हैं, अपने आप अनुभव होने लगेगा। बहुत क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति ये काम करते करते देखेगा कैसे क्रोध कम होने लगा, अब क्रोध सिर्फ सवार नहीं होता। बहुत वासना में व्याकुल रहने वाला व्यक्ति देखेगा वासना कम होने लगी। बहुत भाई में भयभीत रहने वाला व्यक्ति भय कम, अरे हमारे विकार कम होने चाहिए ना, और जीवन में प्रकट होना चाहिए कि अब ये विकार हमारे कम होकर के हमारा जीवन ऐसे बदला और बदलते जा रहा है, सुधार होते जा रहा है, तो समझो धर्म का रास्ता। और बाकी ये मान्यता वो मान्यता, अरे होगी भाई, हमारे भीतर कोई एक आत्मा है, होगी, हमको बनाने वाला कोई परमात्मा है, होगा, फिर भी तो राग निकालना पड़ेगा ना, द्वेष निकालना पड़ेगा ना, मुक्त होने के लिए तो राग द्वेष निकालना ही पड़ेगा ना। रही आत्मा या न रही आत्मा, मैं अपनी बात कहूं, ऐसे देश में जन्मा और ऐसे देश में पला, अपने जीवन के भाव से वर्ष बिताए, जहां 100 में से 80 लोग इस बात को नहीं मानते कि हमारे भीतर कोई अलग थलग आत्मा है, नहीं मानते, क्योंकि बचपन से यही सुनते आए कोई आत्मा नहीं। 100 में से 80 आदमी इस बात को नहीं मानते कि संसार को बनाने वाला कोई ईश्वर है, नहीं मानते, क्योंकि बचपन से यही सुनते आए। उन लोगों के बीच में रहा हूं, इसलिए उन लोगों को खूब समझा है, और अब इतने वर्षों से इस देश में आया हूं। इस देश में 100 में से 80 के 80 से ज्यादा लोग इस बात को मानने वाले हैं कि हमारे भीतर कोई एक अलग थलग आत्मा है, इस बात को मानने वाले हैं कि इस संसार को बनाने वाला कोई परमात्मा है। इन लोगों को भी खूब देखता हूं और बड़े निष्पक्ष भाव से देखता हूं, रंगीन चश्मों से नहीं। भाई मुझे तो कोई फर्क नहीं नजर आया। जो लोग ये मानते हैं कि आत्मा नहीं है और ईश्वर नहीं है, वो भी वैसे ही अहंकार जगाए जा रहे हैं,
वैसे राग पैदा करते हैं, द्वेष पैदा करते हैं, उतने ही व्याकुल होते हैं। और ये लोग जो आत्मा मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, अहंकार जगाए जा रहे हैं, राग पैदा करते हैं, द्वेष पैदा करते हैं, वैसे व्याकुल होते हैं। दोनों की व्याकुलता में कहीं फर्क नहीं। आत्मा को मान लेने मात्र से अगर हमारा विकार सारे निकल जाए, परमात्मा के अस्तित्व को मान लेने मात्र से अगर हमारे विकार सारे निकल जाए, तब तो सारा प्रयत्न यही करना चाहिए कि कैसे सारे लोग आत्मा को मानने लगे, परमात्मा को मानने लगे। देखो विकार सारा निकल गया ना। अथवा आत्मा को नहीं मानने मात्र से विकार सारे निकल गए, परमात्मा को नहीं मानने मात्र से विकार सारे निकल गए, तो प्रयत्न यही करना चाहिए कि लोगों को सिखाएं आत्मा को मत मानो, परमात्मा को मत मानो। अरे ये दार्शनिक मान्यताएं कहां उलझ गए, क्या मिलने वाला है? विकार तो विकार है, जागेगा ही। आत्मा को मानते हो तो भी जाग रहा है, आत्मा को नहीं मानते हो तो भी जाग रहा है, परमात्मा को मानते हो तो भी जाग रहा है, नहीं जाग रहा है। आत्मा परमात्मा दो अलग अलग है, द्वैतवाद है तो भी जाग रहा है। आत्मा परमात्मा प्रकृति तीन है, त्रैतवाद है तो भी जाग रहा है। आत्मा परमात्मा एक ही है, अद्वैतवाद है तो भी जाग रहा है। क्या पड़ा इन वाद विवादों में, कहां उलझ गए? 2000 वर्ष से भारत का बहुत बड़ा बुरा हाल हुआ। ये सारी की सारी दार्शनिक मान्यताओं ने धर्म को चौपट कर दिया। धर्म का सही स्वरूप हम कैसे वीतरागता के रास्ते पर चल करके अपने चित्त को निर्मल करने, जीवन सार्थक हो जाए, तो काम की बात हुई। और वो नहीं हो तो धोखे की बात हुई। जितनी जल्दी इस धोखे के बाहर निकल जाता है जो आदमी, उतनी जल्दी अपने लक्ष्य को साध लेता है। लक्ष्य ये है कि चित्त को कैसे वीतराग बनाए, वीत द्वेष बनाए, वीत मोह बनाए, नहीं तो हमारे साथ दुख लगे ही रहेंगे, जन्म जन्मांतरों तक दुख लगे ही रहेंगे। ये जीवन भी दुख में जाएगा और आगे भी दुख ही के जीवन आने वाले हैं। मनुष्य का जीवन मिला है और मनुष्य के जीवन में इतनी बड़ी शक्ति कुदरत ने दी है, या क्यों कहूं परमात्मा ने दी है, कि वो आत्ममुखी होकर के, स्वयंमुखी होकर के, सत्यमुखी होकर के अपने भीतर की सच्चाई को देखते 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 विकारों से मुक्त हो सकता है। और ये इतनी बड़ी शक्ति जो हमारे पास है उसको जगाएं नहीं, उसका उपयोग करें नहीं। और न जाने इस दार्शनिक मान्यता में, उस दार्शनिक मान्यता में, इस व्रत उपवास में, इस पर्व त्योहार में, इस कर्मकांड में, उस कर्मकांड में सारा जीवन खो दें अपना। दुर्भाग्य की बात हुई। बहुत बड़ा भाग्य होता है किसी का, बहुत बड़ा पुण्य होता है तो धर्म का शुद्ध स्वरूप सामने आता है और वो उसको ग्रहण करता है और उस रास्ते पर चलने लगता है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं, बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि मेरे पुरखे 3 पीढ़ी पहले बर्मा में जाके बसे, ऐसे धर्म देश में जाके बसे जहां भारत से गया हुआ शुद्ध धर्म अपने शुद्ध रूप में कायम पहले थोड़े से लोगों में, बहुत थोड़े से लोगों में। गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा, हर आचार्य इस बात की जिम्मेदारी समझता था कि मेरे मरने के पहले पहले 2-4-5 लोग कम से कम इस विद्या में जरूर पक जाएं ताकि ये विद्या आगे चले, 2-4-5 आदमी जरूर सीख जाएं। यूं गुरु शिष्य परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने संभाल करके रखा। ऐसे देश में जन्मा, भाग्य की बात हुई। और एक बड़े भाग्य की बात हुई कि किसी बनिए के घर में जन्मा। जात पात से कुछ मिलता मिलाता नहीं, धोखा होता है बल्कि, लेकिन फिर भी बनिया घर में जन्मने का एक लाभ हुआ कि जब कोई आदमी और विशेष करके बनिया अपना देश छोड़ करके प्रदेश में जाता है तो एक ही लक्ष्य, धन कमाओ, धन कमाओ, रात दिन एक ही लालसा, धन कमाए, धन कमाए, इस तरह कमाए, उस तरह कमाए। ऐसे घर में जन्मा, ऐसे परिवार में जन्मा तो धन कमाना ही प्रमुख हो गया। पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं, धन कमाना जरूरी है। तो ऊंची पढ़ाई भी नहीं हुई, विश्वविद्यालय की पढ़ाई हुई ही नहीं, तो धन कमाने 15-16 वर्ष की उम्र में धन कमाओ, धन कमाओ लग गया। कोई मध्य बीसी तक आया, 25-1 वर्ष तो बहुत, उन दिनों के वहां के स्टैंडर्ड के मुताबिक बहुत धन कमाया। तो अच्छा ये हुआ उससे, अगर उस अवस्था में से नहीं गुजरता तो मन में ये बात रह जाती कि जो लोग धनी हैं, मैंने तो धन कमाया नहीं, धन का सुख भोगा नहीं, तो जो धनी है वो जरूर सुखी है। ये दुखी यही है जिनके पास धन नहीं है। अब उसमें से गुजर गया ना तो जान गया बड़े दुखियारे होते हैं। धन आ जाए घर में और धर्म नहीं आए, इससे बड़ा संताप नहीं होता, बड़ा दुखियारा हो जाता है। धर्म आए तो फिर धन हो तो न हो तो दोनों अवस्था में सुखी रहेगा। तो ऐसी अवस्था में से गुजरा, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात हुई। और जब आदमी के पास बहुत धन आता है और बड़ा दान देता है, यहां दिया वहां दिया, बड़ी प्रसिद्धि होती है समाज में, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, स्कूल है, कॉलेज है, अस्पताल है, अमुक है, अमुक है, उसमें कहीं प्रेसिडेंट बनाते हैं, कहीं ट्रस्टी बनाते हैं, कहीं सेक्रेटरी बनाते हैं, तो 20 संस्थाओं के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, अमुक अमुक, बड़ा अहंकार होता है इसका। गुजरा हूं उसमें से, जानता हूं, बड़ा नशा होता है। मैं प्रेसिडेंट, मैं सेक्रेटरी, मेरे हाथ में ये पावर, मेरे हाथ में ये सत्ता, मुझको ऐसे सम्मान, उसको ऐसा सम्मान।
गुजरा इसमें से, कितना तनाव इकट्ठा कर लिया, कितना तनाव। बड़े सौभाग्य की बात हुई कि एक बहुत बड़े रोग का शिकार हो गया, ऐसा रोग कि जिसका आक्रमण हर 15वें दिन आ जाए, और इतना भयंकर आक्रमण आए कि डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं। तो क्या करें, बेचारे मोर्फिया का इंजेक्शन देवें, उस मोर्फिया के इंजेक्शन से नशे में पड़े रहो तो 24 घंटे तक उस मोर्फिया का फिर आफ्टर इफेक्ट्स, उल्टियां हो, बुरा हाल हो, हर 15वें दिन यह हालत। 2-4-5 बरस चला इस तरह से। फिर जो परिवार के डॉक्टर थे, बड़े भले परिवार के अंग जैसे ही थे, उन्होंने कहा देख भाई, ये जो हम बार बार मोर्फिया तुम्हें दे रहे हैं, कुछ वर्षों के बाद ऐसा होगा कि मोर्फिया अडिक्ट हो जाओगे, मोर्फिया का एक ऐसा नशा चढ़ जाएगा कि रोज मोर्फिया लेनी पड़ेगी, तेरे ये रोग का आक्रमण होवे या न होवे तुझको रोज मोर्फिया लेनी पड़ेगी। अरे तो कैसा जीवन होगा, रोज मोर्फिया लेनी पड़ेगी। तो देख तू बार बार अपने काम धंधे के लिए विदेशों में भागता फिरता है, एक बार काम धंधे को जरा भूल और अपने इलाज के लिए जा। हम जानते हैं कि तेरा ये जो रोग है इसका कोई इलाज नहीं, पश्चिम में भी नहीं, हमारे पास भी नहीं, लेकिन ये जो मोर्फिया है इससे जरूर निकल जाओगे, उनके पास कोई और पेन किलर मिल जाएगा तुम्हें और तुम इससे मुक्त हो जाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उसकी बात सुनकर के घबराया, ठीक ही बात है, तो गया। गया कई महीनों तक स्विट्जरलैंड में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, जापान में, जो ऊंचे से ऊंचे डॉक्टर थे, खूब धन फूंका, खूब समय बर्बाद किया। लौट के आया तो ये देखा कि रोग बढ़ता ही गया, ज्यों ज्यों दवा की और बढ़ता गया, आक्रमण आते ही जा रहे हैं। अरे मोर्फिया से छुटकारा, रोग से छुटकारा दूरा, मोर्फिया से छुटकारा कोई नहीं दे सका। बहुत प्रयत्न किए किसी ने, बड़े बड़े डॉक्टरों ने प्रयत्न किया। मैं समझता हूँ मेरे लिए बड़े भाग्य की बात हुई, कोई बहुत बड़ा पुण्य था अगर कोई डॉक्टर उस रोग को निकाल देता, ये इतना बड़ा अनमोल रत्न मुझे कहाँ मिलता। तो जब सब जगह से कोई इलाज नहीं हुआ तो एक मित्र, उस मित्र को याद करते हैं तो मन बहुत कृतज्ञता के भाव से भर जाता है। उसने कहा कि इस व्यक्ति के पास जाओ, 10 दिन इसके पास साधना करके देखो, कौन जाने तुम्हारा रोग चला जाए। आखिर रोग क्या है, साइकोसोमेटिक है, मन से संबंध रखता है, और ये साधना मन के विकारों को दूर कर देगी तो हो सकता है तुम्हारा रोग चला जाए। अब मरता क्या नहीं करता, कहीं नहीं ठीक हुआ, चलो इनके पास चलो। गया हमारे गुरुदेव के पास, याजी उबाखिन के पास, ऐसे संत पुरुष, ऐसे संत पुरुष। थोड़ी देर बात करने में बड़ी शांति मालूम होती है, सारे वातावरण में बड़ी शांति। तो कहा उनसे कि मैं आपके 10 दिन के शिविर में आना चाहता हूँ। तो जानते थे कि ये भारतीयों का एक लीडर है और हिंदुओं का एक लीडर है, और आया है तो अच्छी बात। तो कहते हैं तो सबके लिए भाई, हिंदू हो चाहे कोई हो, ये मार्ग तो सबके लिए कल्याणकारी है, और हम तुमको कोई कन्वर्ट नहीं करेंगे, तुम अपना आओ और काम करो, सबके लिए खुला है, धर्म की गंगा सबके लिए है। फिर उठते उठते हमने कह दिया कि महाराज, हमको अमुक व्यक्ति ने भेजा है जो आपका भी परिचित है और हमारा मित्र है, आगे जाकर के वर्मा के सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो गया, उस व्यक्ति ने भेजा है, क्योंकि हमको ये एक स्पेशल टाइप की माइग्रेन होती है और 15वें दिन उसका मोर्फिया लेना पड़ता है, अटैक आने पर कोई इलाज कहीं नहीं हुआ तो कहा मत आना हमारे पास, भूल के मत आना, हम नहीं लेंगे तुमको। अरे क्या हो गया, हमने इनको नाराज कर दिया, बात क्या हुई। तो संत है ना, बड़े प्यार से समझाते हैं, तू धर्म का अवमूल्यन कर रहा है ना, इतना ऊंचा धर्म जो तेरे जन्म जन्म के भव रोगों को दूर कर देगा, जन्म जन्म के दुखों को दूर कर देगा, उसको ये सिर का दर्द निकालने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, उसका तुझे होश नहीं है ना। अगर जिस दिन तेरे ये बात समझ में आ जाए कि मैं अपने चित्त के विकारों को जड़ों से निकालने के लिए ये विद्या सीखने आ रहा हूं, उस दिन चले आना। अरे ये सिर दर्द निकलना तो बाई प्रोडक्ट है। फिर समझाया बड़े प्यार से कि तू चीनी की इंडस्ट्री बैठाना चाहता है तो किस लिए बैठाना चाहता है, चीनी प्राप्त करने के लिए ना, शुगर प्राप्त करने के लिए ना, मोलासेस के लिए थोड़ी बैठाता है। मोलासेस तो बाई प्रोडक्ट है, वो तो आएगा ही, राब तो आएगी, ऐसे ये तो बाई प्रोडक्ट है। तो इसमें जितना जितना बढ़ेगा ये सारे शरीर के रोग, मन के रोग जो मन से संबंधित है अपने आप दूर हो जाएंगे। वो लक्ष्य लेकर के नहीं आना कभी, बात उनके समझ में आई। अध्यात्म तो इतना महान होता है, शुद्ध धर्म इतना महान होता है, हम ये शरीर के रोग के लिए उसके पास जाएं ना, ना हमको तो ये मन के रोग को निकालने के लिए जाना है। चला गया, गया तो पर ही चक रही कुछ दिनों तक। ये चक क्या रही, वही पुराने लेप है ना, हम भारतीयों के लेप बहुत कठिनाई पैदा करते हैं हमारे, बार बार बचपन से पढ़ता आया, स्वधर्मे निधनं श्रेय पर धर्मो भयावह भयावह, अपने धर्म में अमर भले जाओ, पराय धर्म में नहीं जाना, ये तो पराय धर्म। अरे बाप रे, बौद्धों का धर्म, और कैसे बौद्ध, आत्मा को नहीं माने, परमात्मा को नहीं माने, ऐसे नास्तिक, कहीं मैं भी नास्तिक बन गया तो क्या हो जाएगा, इतना घबराऊं।
फिर मन में आया कि चलो करके देखते हैं, और मन को दृढ़ किया कि साधना इनकी करूंगा, धर्म नहीं छोड़ने वाला अपना, कट्टर हिंदू ही रहूंगा, आत्मा को भी मानूंगा परमात्मा को भी मानूंगा, और इनका एक काम करके देखता हूं। चला तो गया किसी तरह से भी, और गुजरा उसमें से तो अरे निहाल हो गया, गुजरा उसमें से तो पता लगा क्या स्वधर्म होता है, क्या परधर्म होता है। हम मनुष्य है ना, मनुष्य के पास प्रकृति ने कैसा धर्म दिया है, कैसी शक्ति दी है कि वह अंतर्मुखी होकर सच्चाई को देखते 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 परम सत्य का दर्शन कर जाए। ये काम पशु नहीं कर सकता, ये काम पक्षी नहीं कर सकता, ये काम सरीसृप नहीं कर सकते, कीट पतंग नहीं कर सकते, प्रेत प्राणी नहीं कर सकते, मनुष्य कर सकता है। अरे जो काम मनुष्य कर सकता है उसको हम करें नहीं, और बाकी काम जो सब कर सकते हैं वैसा ही जीवन हम बिता दें, तो पशुओं का सा जीवन बिताया ना, पर धर्म में जीवन बिता दिया ना, स्वधर्म को जगाया ही नहीं ना, बात समझ में आई। बड़े कल्याण की बात हुई, बड़े कल्याण की बात हुई, जैसे नया जीवन मिल गया। 14 वर्ष तक उनके चरणों में बैठ करके ये विद्या सीखता रहा। 14 वर्ष के बाद माता पिता पहले आ गए थे वहां से, वर्मा से सूचना आई कि माता बहुत बीमार है, उसको कोई मानसिक नर्वसनेस हो गया, यहां आने की इलाज कराए, नहीं ठीक हुई। तो जानता था कि ये विद्या प्राप्त कर लेगी तो इस रोग से मुक्त हो जाएगी। तो बर्मे सरकार से पासपोर्ट का आवेदन किया। उन दिनों वो अपने नागरिकों को पासपोर्ट बाहर जाने के लिए नहीं देते थे, उनका बड़ा उपकार मानता हूं कि उनके सारे नियमों को तोड़ करके उन्होंने मुझे पासपोर्ट दिया। भारत सरकार का उपकार मानता हूं कि उन्होंने वीसा दिया इस देश में आने का, और चला आया। इसके पहले बार बार मन में एक भाव जागता था कि इस व्यक्ति से इतनी बड़ी विद्या भारत की मिली जो भारत से लुप्त हो गई, ये भारत के लोगों को मिलनी चाहिए। भारत के लोग, उनके मन में भी बार बार ये भाव था कि बर्मा पर भारत का बहुत बड़ा ऋण है, ये चुकना चाहिए। आज भारत कंगाल हो गया, विद्या नहीं है उसके पास, ये विद्या कैसे पहुंचे भारत। बार बार प्रयत्न किया उन्होंने, नहीं आ पाए। तो जब मैं आने लगा तो कहते हैं, ये मत समझना तू जा रहा है, मैं जा रहा हूं, धर्म जा रहा है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेके जा रहे हो, उस देश में जाकर के बर्मा का ऋण चुकाना है, और अब समय आ गया, अब विपश्यना का डंका बज गया। एक मान्यता उस देश में चली आ रही, अनेक सदियों से चली आ रही, कि भगवान बुद्ध के 2500 वर्ष के बाद ये विद्या फिर एक बार जागेगी, ब्रह्मदेश से भारत आएगी और भारत में प्रस्थापित हो करके फिर सारे विश्व में फैलेगी, ऐसी एक मान्यता चली आ रही। तो उन दिनों तो ये मान्यता बार बार सुनते थे तो लगता था कोई सांप्रदायिक मान्यता है, अरे बाबा इतनी दिनों तक नहीं गई तो अब कैसे जाएगी, और जाएगी तो सारे भारत में फैलेगी और विश्व में फैलेगी, तो विशफुल थिंकिंग है, होगा चलो ठीक है। लेकिन यहां आए तो बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ। पहला शिविर जिसमें माता पिता बैठे और 10-12 लोग और बैठे, शिविर समाप्त हुआ तो लोगों को लाभ हुआ, माता पिता के ऋण से मुक्त हुआ। भगवान बुद्ध ने कहा कोई व्यक्ति अपने माता पिता के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। सारे जीवन और कुछ नहीं करे, केवल माता पिता की सेवा ही करता जाए तो भी ऋण से मुक्त नहीं होगा। तो कैसे ऋण से मुक्त होगा? माता पिता यदि शील में स्थापित नहीं है तो उनको शील में स्थापित करने में सहायक बन जाएगा। वो शील में स्थापित है लेकिन समाधि नहीं है उनके पास, समाधि पुष्ट करने में सहायक बन जाएगा। समाधि भी है पर प्रज्ञा नहीं जागती, प्रज्ञा जगाने में सहायक हो जाएगा। प्रज्ञा जागी पर निर्वाण का साक्षात्कार नहीं हुआ, सहायक हो जाएगा। ऋण से मुक्त हुआ, मैं भी अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हुआ। और फिर जो बाकी लोग बैठे थे शिविर में, एक स्वभाव है धर्म का, यही पस्सी को आओ देखो, आओ देखो। तो जो लोग और बैठे थे उन्होंने कहा कि हमारी माता बैठेगी, पिता बैठेगा, भाई बैठेगा, बहन बैठेगी, अमुक बैठेगा, अमुक बैठेगा, एक शिविर और लगाइए, एक शिविर और लगाइए। मैं बर्मी सरकार से छुट्टी लेकर आया केवल 3 महीने यहां रहने के लिए, लेकिन ये धर्म गंगा बहनी शुरू हुई, शिविर पर शिविर, शिविर पर शिविर, हजारों की संख्या में लोग आने लगे। बड़ा आश्चर्य हुआ, ये बात अब सही मालूम होने लगी। जिन लोगों को मैं जानता नहीं, कभी देखा नहीं, जो लोग मुझे नहीं जानते, ब्रह्मदेश से यहां आने पर एक लिस्ट बनाई कि भारत के कितने लोग मुझे जानते हैं,
तो अपने परिवार के लोगों को छोड़ करके और लोगों की लिस्ट बनी तो संख्या 100 पर नहीं पहुंची। 100 से कम लोग मुझे जाने या मैं उनको जानूं। करोड़ों की आबादी वाला देश और कैसे लोग खींचे आ रहे हैं, हर संप्रदाय के लोग आ रहे हैं, हर मान्यता के लोग आ रहे हैं, उनके लीडर आ रहे हैं, और फिर यहीं के नहीं भिन्न भिन्न देशों से चले आ रहे हैं। तो भाई सचमुच विपश्यना का डंका बजा, अब समय आया है, खूब जोरों से धर्म जागने वाला है। भारत आने के कोई 1.5 बरस के बाद बोधगया में शिविर चल रहा था, और उस समय यकायक एक सूचना आई कि गुरुदेव ने अपना शरीर त्याग दिया। जरा धक्का सा तो लगा, लेकिन फिर होश आया, धर्म सिखाया है ना उन्होंने। तो एक चिंतन चला मन में, माता पिता के ऋण से तो मुक्त हुआ, इस व्यक्ति के गुण ऋण से कैसे मुक्त हो। माता पिता ने जन्म दिया वो तो सांसारिक जन्म दिया, इस व्यक्ति ने जन्म दिया वो सही जन्म दिया। ये जो दूसरा जन्म मिलता है मनुष्य को वो सही जन्म होता है। जैसे पक्षी के 2 जन्म होते हैं, एक बार अंडे के रूप में जन्मेगा और फिर उसके बाद अंडे की खोल तोड़ करके तब जन्मेगा, वो सही जन्म होगा। ऐसे ही दूसरा जन्म माता पिता जन्म देते हैं, अविद्या की खोल में जन्म देते हैं, अविद्या की खोल तोड़ करके नया जन्म जो होता है भीतर की सच्चाई को दिखाने वाला, वो सही जन्म इस व्यक्ति ने सही जन्म दिया अविद्या की खोल तोड़ करके। और 14 वर्षों तक इतने प्यार से इतने वात्सल्य से पकाया धर्म में, अरे इसके ऋण से कैसे मुक्त हो सकूं। तो एक संकल्प किया कि अपना शेष जीवन, उनकी बड़ी इच्छा थी कि विपश्यना संसार में फैले, लोक कल्याण हो, अपनी प्रसिद्धि के लिए नहीं लोक कल्याण हो, तो उनका उनकी ये मंशा पूर्ण हो तो अपना सारा जीवन इस काम में लगाऊं, अधिक से अधिक लोग इस रास्ते पढ़कर अपना कल्याण साध लें, अपना कल्याण साध लें। तो देखता हूं कि किस प्रकार लोग खींचे हुए चले आ रहे हैं, क्योंकि उनका भी अपना पुण्य है जो उनको खींच के ला रहा है। अनेक लोग इस प्रकार के आ रहे हैं जिन्होंने किसी न किसी जीवन में कोई ऐसा सत्कर्म किया, उन्होंने विपश्यना नहीं की लेकिन कोई सत्कर्म किया, उस सत्कर्म से और लोगों को विपश्यना मिली, ऐसा बीज जो लेकर आए उसका फल इस समय उनको खींच के ला रहा है धर्म की ओर, ताकि उनको धर्म का बीज मिल जाए, विपश्यना का बीज मिल जाए। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति भी देखता हूं, ऐसे वर्ग के भी, कि जिनको पहले धर्म का बीज मिला हुआ है और अब वो इसलिए आ रहे हैं कि इसमें खूब पकें और अपना भी कल्याण साध लें, अनेक लोगों के कल्याण के में सहायक हो जाएं। तो चाहे इस तबके में हो कि जो धर्म का बीज लेने आया है, या उस तबके में हो कि जिनको धर्म का बीज तो पहले से है और अब पकने आया है, भाई ये जो विद्या मिली है बहुत अनमोल रत्न मिला है, बहुत अनमोल रत्न मिला है, बड़े भाग्य से मिलता है, इसमें खूब पकें, मनुष्य जीवन को सार्थक कर लें, अपना मंगल कर लें, अपना कल्याण साध लें, अपनी स्वस्थ मुक्ति साध लें, और न जाने कितनों के मंगल में, कल्याण में, स्वस्थ मुक्ति में सहायक हो जाएं। धर्म बड़ा कल्याणकारी, बड़ा मंगलकारी, खूब जागे, खूब फैले, खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवत सर्व मंगलं, भवत सर्व मंगलं, भवत सर्व भला हो। विश्राम करें, विश्राम करें।